मैं कहना चाहता हूं, समाज के लिए जीना, देश के लिए जीना ही पॉनिज्म है। मैनेजर, मुझे 20 टिकट्स और चाहिए। बीस है। थैंक यू। कैश करो। एक मिनट। अरे ये 2 मिनट का फोन है। हाँ हेलो मामा, 20 टिकट ही चाहिए क्या? अभी दिलाता हूँ, कंफर्म, पक्का। आजो आजो आजो, मिल जाएंगी। सर मुझे 20 टिकट्स चाहिए। ओ भाई, तू कौन है? 20 टिकट नहीं है मेरे पास। उस पवन को आप दे सकते हैं सर, तो फिर मुझे क्यों नहीं? पवन थिएटर में काम करता है, पोस्टर लगाता है, उसके फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। हमने भी बैनर्स बांधे हैं सर, हम भी पवन कल्याण के फैंस हैं। ठीक है, लेकिन वो तुझसे बहुत पहले से इस फील्ड में है। तू ऐसे आके 20 टिकट मांगेगा तो कैसे दूंगा? मैं तो तुझे पहली बार देख रहा हूँ। मेरे चाचा से बात करोगे क्या? चाचा ताऊ किसी से बात करवा दे, कुछ नहीं होगा। वो तो अभी पता चल जाएगा। फोन है क्या? बाहर से जाके फोन कर। जाना यार। मुझे टिकट चाहिए बस। क्या हुआ? ए, तू क्यों आया टिकट मांग रहा है? मैं बात क्यों आया? तुझसे कौन बात कर रहा है? मैं टिकट ले लूंगा। मुझे मत कर। मैं बात कर रहा हूँ ना, तुझे किसने कहा आने को? मुझे बात करने देना। ये 20 टिकट मांग रहा है, मैं इतनी टिकट नहीं दे सकता इसको, इससे मना कर रहा हूँ। और क्या? क्या यार, तू भी इसके लिए? मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, मुझे टिकट चाहिए। तू बीच में मत बोल, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, तेरी जरूरत नहीं है मुझे। क्या तुझे? अरे बस कर यार, किस भरोसे की बात कर रहा है तू? सर कुछ नहीं करना, लेकिन छोड़ कैसे दे भाई? नहीं करना। कैसे बात कर रहा है वो? रुक जा। अरे क्यों छोड़ दे उसे? ए चल निकल। तो क्या उनकी दादागिरी सहते रहे? अरे ऐसे चुप थोड़ी बैठेंगे। लफड़ा नहीं करोगे समझे? अरे बाहर चल। क्या? चलो यहाँ से। क्या भाई तू ही है? अरे समझा करना।
क्या हुआ, हिटलर अभी तक नहीं आया क्या? वो आए तो घर में इतनी शांति रहती है क्या? तू जा, जाकर फ्रेश हो जा, खाना गर्म करके रखा है, जल्दी से जा और जल्दी आ जा। ये लो तुम्हारे पसंद की आलू की सब्जी। अरे वाह, आज तो सेठ जी जल्दी घर पर आ गए। इस वक्त तो ऐसे थिएटर के पास होना चाहिए। क्या जी, घर में आए नहीं कि आप शुरू हो गए? मैंने ऐसा क्या कह दिया? जब सेठ जी ने तीन शो देखे लिए हैं तो नाइट शो क्यों मिस किया? नहीं तो पूछ रहा हूँ मैं। आधी रात को आता हूँ तो दरवाजा नहीं खोलते, इसीलिए। जवाब देता है मुझे? हा? पढ़ाई में ध्यान देगा तो आगे चलकर हमारी मदद करेगा, वो छोड़कर सारा दिन मोबाइल की तरह बस भटक कर रहता है और बात करता है। ए जी, इससे जरा शांति से खाना खाने देंगे आप? तुम्हारी गलती है, सर पर चढ़ा के रखा है इसे। आज ये जो कुछ भी है उसकी वजह तुम्हारा अंधा प्यार है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि क्या क्या करता है। कान खोल के सुन, सिनेमा का रिलीज हो, 100 डेज का फंक्शन हो, बैनर बांधा, फूल फेंका, कॉलेज में अगर नारा लगाया तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। मैं तेरी माँ को देख, शादी होकर 25 साल हो गए, फिल्म देखना तो बहुत दूर की बात है। मेरी परमिशन के बिना सब्जी भी नहीं खरीदती है। अपनी माँ से कुछ सीख नहीं सकता है क्या? ए जी, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं खाना परोसती हूँ। कुछ भी बोलो तू टोक देती है। क्या हुआ भाभी आप इस वक्त? आज दोपहर जब हम तुम अपना बैग वही भूल आई, वही लौटा आई हूँ। अच्छा तो चलिए चलिए चलिए। ये क्या है, मैं इसे बोलता था आज तू भी सिनेमा के लिए पागल हो गई है। ऐसा नहीं है जी, कॉलोनी के सब लोग जाने वाले थे इसलिए। तो क्या तुम मेरी परमिशन के बगैर चली जाओगी? मैं तेरा ऐसे उदाहरण दे रहा था। माँ बेटा दोनों सिनेमा सिनेमा करके पागल हो गए हैं। ये क्या? माँ टिकट। ए जी, आपकी जेब में सिनेमा का टिकट कहाँ से आया? वो पावर स्टार की फिल्म है ना, तो मैंने सोचा कि मैं भी जरा देखा हूँ। क्या है, पवन जी की फिल्म है, रिव्यू अच्छा था, तो मैं भी जरा अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए बस खुद भी देखा और हम पीछे जाते हैं। मुझे माँ यहाँ बैठ जाइए। हाँ, आप यही बैठिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तुम्हें तुम्हारी माँ चाहिए या मैं? अगर तुम्हारी माँ वापस घर आई तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माँ, मेरा एक बहुत ही जिगरी दोस्त यहाँ पास में ही रहता है, मैं बस थोड़ी देर में उससे मिलकर आता हूँ, आप यहीं पर बैठिए। हाँ ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। उस फिल्म का टिकट ही नहीं मिला यार, सिर्फ एक ही टिकट मिला। हाय यार कैसा? कौन था? कॉल किया था उसे, बस थोड़ी देर में आता ही होगा। और गिरी भाई? वो इधर ही कहीं किसी की फिरकी ले रहा होगा। वो देखो वो आ ही गया। अरे भाई ये फोन कहाँ है यार? अरे हम भी तो उसी का वेट कर रहे हैं। तू आज जल्दी कैसे आ गया? वो क्या है ना, मेरे बाप को कभी कभी मेरे बारे में अच्छा सोचना चाहिए, इसलिए तो जल्दी आ गया। हाँ अरे नारी, कल तू फिल्म देखने आने वाला था, क्यों नहीं आया? मेरी गर्लफ्रेंड को कोई सता रहा था, उसे सबक सिखाने के लिए रोका था यार। अरे इसे अब तक नहीं पता कि उसे सताने वाला तू ही है। मारी से मार। ए, आ, आ, अरे सारी नई लड़कियाँ नए नए रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ रही हैं, हम ये देख के कैसे नहीं फिसलेंगे। हाय फ्रेंड्स, कैसा है? हाय पवन, क्या हाल है? हाय, हाउ आर यू?
हीरो तो आ गया अपना, लेकिन हीरोइन चली जा रही है, उन्हें रोकना पड़ेगा। अरे यार, इनमें से कोई भी हमें अपनी शक्ल नहीं दिखा रही है, एक एक के मुंह से स्कार्फ हटाना होगा। मुझसे और इंतजार नहीं होता, तू करता है या मैं करूँ? तू ही कर। ऐसी बात है, मैं ही करूँ क्या? सुन अरुणा, जरा सुनना, इधर आना अरुणा। अरे ये हमारी अरुणा नहीं है। मारते हैं। आजा अरुणा, आजा। वो आ गई अरुणा। जाना बे। अब देखो मेरा कमाल, ये अरुणा तो बिना स्कार्फ के आ गई। अरुणा नहीं आया। रुको, क्या हुआ? स्कार्फ बांध कर आई हूँ तो सीनियर्स रैगिंग कर रहे हैं। क्या कहा, रैगिंग कर रहे हैं? कौन है वो? वो स्कार्फ मुझे दो। ठीक है, तुम जाओ। ओके। हो गया था जब उनके स्टाफ निकालने जा रहा था, जितना इतना छोटा हो गया, सब भाग गई। उधर देख, उधर देख, एक नया एडमिशन। जरा पकड़ी से। वाओ वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। चेहरे पे स्कार्फ बांध के आई हो, ठंड लग रही है क्या? बुखार है? धूप में पिघल जाओगे इसलिए बांध रखी हो क्या? मुझे देखोगे तो डरोगे इसलिए बांधा है। ऐसा क्या, तुम मुझे देख के नहीं डरी? तो मैं तुम्हें देख के कैसे डर सकता हूँ? चलो हाँ, अब मैं इसका हटाता हूँ। तुमसे नहीं होगा। अरे मुझसे हो जाएगा, तुम ही हटाओ ना। ठीक है, अब तैयार हो जाओ, मैं हटाता हूँ इसका। ओके, सुंदर साड़ी पहन के आई हो, चेहरा भी छुपाई हो। चेहरा देखकर क्या करेगा? तुमसे प्यार करूंगा, इश्क करूंगा, मोहब्बत करूंगा। तुमसे प्यार करूंगा, इश्क करूंगा, मोहब्बत करूंगा। तुम इतने प्यार से मेरा इसका फटाओ, क्या बात है मैडम? आप है क्या रे? हाँ, बहुत बड़ा रोमियो है तू, क्यों बोल? आप हो, पता नहीं था इसलिए कॉम्प्लीमेंट वेस्ट कर दिया। अरे मजनू की औलाद, मैं कॉम्प्लीमेंट के लायक नहीं हूँ। मैडम आप कॉम्प्लीमेंट के लायक नहीं, बल्कि कुश्ती के कंपटीशन के लायक हो मैडम। मुझे ऐसा लगता है। क्या मैडम? आज तुझे देखकर तुझे बहुत पीटने का मन कर रहा है। रोमियो गिरी करता है, रैगिंग करता है लड़कियों की। चल मेरे साथ, चल तेरी रैगिंग मैं करती हूँ। हेलो, वन मिनट। कौन है यार ये? आज तक कॉलेज में कभी नहीं देखा। स्कार्फ हटाओ। क्यों? हटाओ। नाम क्या है तुम्हारा? श्वेता। तुम किसकी फैन हो? पवन कल्याण की। पवन कल्याण हमारे बॉस की फैन है। What? हाँ। ये भी ओ यस यस यस, फैन है। तुमसे थोड़ा काम है, जरा चलो। चलो। क्या बात। बढ़िया था यार। क्यों भाई, सिनेमा रिलीज हुई, इसका रिव्यू कैसा है?
रिव्यू की क्या बात करनी है सर, फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। हाँ वो बात तो सही है, पर मेरी वाइफ जो है ना वो फिल्म देखने के लिए बहुत जिद कर रही है, अगर उसे नहीं दिखाया तो वो मुझे तलाक दे देगी। क्या तुम लोग दो टिकट का इंतजाम कर सकते हो प्लीज? बस टिकट्स चाहिए ना सर, आप रिलैक्स हो जाओ, हम देख लेंगे सब। तुम देख लोगे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वेरी गुड सर, शाम को थिएटर में मिलेंगे सर। उन लोगों से रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है सर, आपने एक बार हमें कह दिया होता। तुमको? मेरी वाइफ फिल्म देखना चाहती है, वो भी आज क्या कल या परसों नहीं, और उसे सब लोग जानते हैं। अगर वो टिकट के लिए थिएटर में गया ना तो थिएटर का मैनेजर खुद उसे टिकट ला कर दे देगा। और एक तू है, तू कॉलेज के बाहर जाएगा तो कोई तुझे पहचानता भी नहीं। हमें क्या कमी है सर? तुम फेमस नहीं हो सर, आप हमें कम मत समझिए, हम भी पावर स्टार के फैन है, चाहे जितना भी पैसा खर्च हो जाए टिकट तो आपको दिला के रहेंगे। यही है, यही तुम में और उसमें अंतर है। तुम लोगों की जेब में पैसा ज्यादा है और उन लोगों का क्रेज ज्यादा है। कैश जो है कभी रहता है कभी नहीं रहता, लेकिन क्रेज जो है वो हमेशा रहता है। आप देखते रहिए सर, एक दिन उससे कहीं ज्यादा हमारा क्रेज होगा और पूरे कॉलेज को इस बात का पता चल जाएगा। अच्छी बात है, ऐसा विचार होना चाहिए। ट्राई करो, ट्राई करो, करते रहो। चल यहाँ पर एक और है, यहाँ पर एक बुरी औरत है। नहीं बेटा, मैं बेसहारा नहीं हूँ बेटा, मैं यहीं के बगल के गांव में रहती हूँ। मेरा बेटा मुझे यहाँ चेकअप के लिए लेकर आया है, वो किसी से मिलने के लिए मुझे यहाँ बैठा कर गया है, मैं बस उसी का इंतजार कर रही हूँ। हम कौन सा समाज सेवा कर रहे हैं, पेपर में फोटो छप जाए इसलिए कर रहे हैं, है ना? अरे तू क्या कर रहा है यार, बेसहारा लोगों को बांटने के लिए कहा था। सॉरी माँ जी, हमसे गलती हो। कोई बात नहीं बेटा। अपने एमएलए साहब बच्चों के साथ क्यों खेल रहे हैं? कुछ लोगों को पत्ता खेलना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बैटिंग खेलना अच्छा लगता है, हमारे एमएलए साहब को बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। कैसे हो भाई? राम राजू। हाँ बोलो भाई। तुम सब लोग, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, नीच आदमी हूँ, ऐसा करके डरा रहे हो मुझे? ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैं सेटिंग एमएलए हूँ ना। हाँ भाई। तुम कॉर्पोरेटर हो। हाँ भाई। तुम मेरे फॉलोअर भी हो। जी हाँ। सर जी कह के मेरे पीछे घूमते थे जी। मेरी हर बात मानते थे जी। अब दूसरी पार्टी में जाकर तुम हाँ मेरे खिलाफ एमएलए का टिकट लेकर मेरे पोजीशन में खड़े होने की सोच रहे हो, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं, बस इसी बात का मुझे भी डर है। ऐसा बिल्कुल नहीं अंकल, है भाई। हाँ बेटा, मैं आपको शूट करना चाहता हूँ। शूट करना चाहता है? देख मेरा हैंड्स अप हो गया। डिश क्या हूँ? ओमो। चला गया क्या? हाँ गया भाई। छोटा बच्चा है ना, हाँ। वो ठीक क्या बोलेगा, हम गिर जाएंगे तो उसे अच्छा लगेगा। हाँ। अब तू दूसरी पार्टी में जाकर एमएलए का टिकट लेकर जी मेरे खिलाफ ही हमारे एरिया में एमएलए की सीट के लिए खड़ा हो गया, ऐसा सब कह रहे हैं बाहर। अब सच क्या है झूठ क्या है तू बता। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम तो आपके सामने बच्चे हैं, बच्चे। खुद को बच्चा तो बोल रहा है लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि दूसरी पार्टी में जाकर एमएलए की सीट के लिए तू मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। मैंने तो ऐसे ही टाइम पास के लिए नॉमिनेशन किया है भाई। अच्छा टाइम पास के लिए नॉमिनेशन डाला है, जीतने के लिए नहीं? अंकल मैं आपको भी शूट करना चाहता हूँ। शूट करेगा कर। उठ जा उठ जा राम राजू, बच्चा चला गया है। अब तू 10 करोड़ खर्च करेगा, मैं 10 करोड़ खर्च करूंगा, दोनों आपस में झगड़ेंगे तो क्या फायदा। तू मुझे सीधा बोल देना कि भैया आप ही इलेक्शन मत लड़िए, मैं ही एमएलए बनना चाहता हूँ, कितनी सीधी सी बात है, इतना बोल दे फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन आपको बुरा नहीं लगेगा? अरे राम राजू ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेफिक्र होकर लड़ो। अंकल क्या है, और एक बार शूट करूंगा। और एक बार? हाँ। करो। अरे तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है, लगता है बच्चा सच में शूट कर गया। मेरी पार्टी से बाहर निकलकर मुझे धोखा देने की सोच रहा था तू, मेरे सामने एमएलए बनकर आएगा, ये वो एरिया मेरा है, वो एमएलए की टिकट मेरी है, वो एमएलए की सीट मेरी है,
मेरी सीट पे कोई और बैठने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब की बार तो बच्चे से शूट करवाया, अगली बार किसी ने ऐसे किया तो उसकी बोटी बोटी करके कुत्ते को खिला दूंगा मैं। हेलो श्रुति, कैसे हो बेटा? मैं बहुत गुस्से में हूँ। क्या हुआ बेटा? आपको कितनी बार फोन किया, आप उठाते ही नहीं हो। ऐसी बात है? हाँ। सॉरी बेटा, मैंने देखा नहीं। वही तो, माँ होती तो ऐसा नहीं होता ना। तुम्हारी माँ के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं था बेटा, इसलिए भगवान भी उसे जल्दी ले गए। पर मैं तुम्हारे लिए हूँ ना बेटा। पक्का आऊंगा बेटा, ओके ना? ओके। सेहत का ध्यान रखना। ओके। बाय बेटा। बाय पापा। नमस्ते सर। सर, आप इतने सालों से जो ये सोशल वर्क कर रहे हैं, मीडिया में बवाल मचा हुआ है सर, इसलिए आपका इंटरव्यू चाहिए था। पब्लिसिटी या फिर पॉपुलैरिटी के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, सब लोग ठीक ठाक रहें इसलिए काम कर रहा हूँ, बस इतना ही। ओके सर, बाय सर। पेपर में यार लोगों का फोटो आ गया तो आगे निकल गए। देखो यार, फोटो आ गया। ए, आज का पेपर देखा क्या? क्या इसमें? देख क्या लिखा है। उनके बारे में छपा है। अब लगा तुम सब सच्चे फैंस हो। तुम लोगों की सेवा की चर्चा सारे पेपर्स में है। पवन कल्याण के फैंस को ऐसी ही ऊंचाई छूनी चाहिए। बहुत बढ़िया, कैरी ऑन माय बॉयज, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलता हूँ। सुपर भाई यार, अपने हीरो का नाम रोशन कर दिया तुमने। जा रे। हीरो के कटआउट को दूध से अभिषेक करने से कुछ नहीं होता, कभी कभी ऐसा काम भी कर लिया करो। चल रे। अरे जा रे, जा। चल जा। तू भी क्या यार, शिकंड करने की क्या जरूरत थी? तेरा क्या दिमाग खराब हो गया यार? बस करो। क्या इसको? चल। चिल्ला क्यों रहे हो? तुम लोग यहाँ चिल्ला रहे हो और वहाँ स्टाफ रूम तक सब सुनाई दे रहा है। प्रोफेसर को आने में थोड़ी देर क्या हो गई? तुम लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। चुपचाप नहीं बैठ सकते हो? अपने जमाने में हमने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की है। मेहनत का मतलब क्या होता है तुम में से किसी को पता है क्या? मेहनत क्यों, क्या मेहनत क्यों? हम स्टूडेंट्स कितनी मेहनत करते हैं जानते हो? हर दिन कॉलेज आने के लिए 10-10 किलोमीटर चलना पड़ता है। इस ट्रैफिक जाम में बाइक चलाना कितना मुश्किल काम है पता है आपको? लेक्चर के बाद आप जो असाइनमेंट देते हो अगर वो कंप्लीट नहीं होता तो कितना टेंशन होता पता है आपको? सारे फ्रेंड्स नाश्ता करते हैं, उसका बिल मेरे नाम पे फाड़ते हैं, उसे चुकाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना टेंशन होता है पता है कि आपको? क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर हमें नहीं आता है, फिर भी बताने जैसी एक्टिंग करना कितना मुश्किल है पता है आपको? मेहनत की बात करते हैं, एग्जाम के वक्त आंसर पता हो तो खुद के पेपर में, और नहीं पता है तो दूसरे के पेपर में देखने में कितनी मेहनत लगती है पता है आपको? प्रोजेक्ट को इतनी आसानी से रिजेक्ट कर देते हो। चार मीनार चढ़ने जितनी मेहनत एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने में लगता है और ये बच्चे क्लास बंक करके उसे कामयाब बनाते हैं, क्या ये पता है आपको? कॉलेज को बंक करके बच्चे फिल्म देखने जाते हैं, वो डर डर के एक फिल्म को देखते हैं, उसके टेंशन का कुछ पता है आपको? मेहनत की बात करते हैं, मेहनत। सर जी देखो, किसी की मेहनत को किसी की मेहनत से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत मेहनत होती है और सबकी मेहनत एक समान होती है। गलती से मैंने मेहनत की बात क्या बोल दी, तुमने पूरी क्लास ले ली मेरी। क्या है ना कि मेहनत की बात सुन के मेरी सेहत खराब हो जाती, समझे? अभी क्लास लूं या नहीं? कुछ भी करो लेकिन मेहनत पे बात मत करना तुम। हे, उठ उठ उठ, चलते चल। चलना यार, अचानक कहाँ के लिए निकल रहा है तू? अबे तू चल तो मेरे साथ। ओ ओके 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 ओके, रुको मैं भी आ रहा हूँ, चल। लक्ष्मी वुमेन्स हॉस्टल। हॉस्टल तो अच्छा लग रहा है यार। क्यों नहीं अच्छा लगेगा, तेरी गर्लफ्रेंड अच्छी है तो ऑटोमेटिक हॉस्टल भी अच्छा ही होगा। हॉस्टल का पता चल गया ना, चलो चलते हैं। थोड़ी देर रुक जरा।
मुझे लगता है श्वेता थोड़ी देर में बाहर आएगी, मेरा सिक्स सेंस कहता है। अरे वो सेंस नॉनसेंस है, अभी अभी तो हॉस्टल के अंदर गई है, उसे आने में भी बहुत टाइम लगेगा। चल 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 निकलते यहाँ से। ए थोड़ी देर रुकना यार। रुकेगा? तू आखिर रुकना क्यों चाहता है? कहाँ लाके फंसा दिया यार। देखो देखो अभी दो लड़कियाँ बाहर जा रही हैं, ये भी देखने में कुछ खास नहीं है। अब कब तक हम उस लड़की का इंतजार करेंगे भाई? हैं? कहाँ छुपी हो भाभी? बाइक चलाता हूँ, शायद आवाज सुन के बाहर आ जाए। कौन से फ्लोर में होगी वो? मैडम क्या हुआ आपको? आप भी इसी हॉस्टल में रहती हो क्या? अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हो क्या? कहाँ है, कहाँ वो? मैं इस हॉस्टल की वार्डन हूँ। अच्छा तुम लक्ष्मी हो? हाँ हूँ, कब से देख रही हूँ यहाँ वहाँ घूम रहा है, क्या काम है? कुछ नहीं दीदी, बाइक का माइलेज चेक कर रहा हूँ, ब्रांड न्यू बाइक है, अच्छी है ना? मुझे क्या उल्लू समझता है, माइलेज हाईवे पर चेक करना चाहिए, इस गली में नहीं। अरे हाईवे पे चेक करने के लिए कोई ट्रक है क्या? और ना ही तुम्हारे जैसा कोई ट्रैक्टर है। मुझे निकलना है। अगली बार अगर तू यहाँ नजर आया ना तो तेरा सर फोड़ दूंगी। अपने हाथों से गेट आउट। क्या हुआ यार? अरे उस औरत ने कहा कि वो मेरा सर फोड़ देगी, मैं उसका सर फोड़ के आता हूँ। तू बाइक स्टार्ट करके वहाँ पर रेडी रहे, ठीक है? क्या समझती हो खुद को? लास्ट महीने की फीस और इस महीने की फीस शाम तक मेरे टेबल पर होनी चाहिए। गेट आउट। हेलो मैडम जी। प्यारे बेवकूफ, तू फिर से यहाँ आ गया? हमारा ये देश आजाद है, मैं चाहे जहाँ भी घूमू तुझे इससे क्या? तेरे हॉस्टल कभी आया हूँ क्या? तेरे हॉस्टल की लड़कियों कभी लाइन मारा क्या? अरे कभी तुझे लाइन मारा है क्या? वैसे तू लाइन नहीं पूरा सर्कल है, और तू इतना भड़कती क्यों है? तुझे पता है तेरे भड़कने से आने जाने वाले को हार्ट अटैक आ सकता है? क्यों बे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे गुस्से का इम्तिहान मत ले। तुझे शायद नहीं पता है तू कितने बड़े इंसान को धक्का मार रही है। फिर मारूं क्या? मार के दिखा। आ गया, आ गया, ले आ गई। एक कदम बढ़ाने के लिए तुम्हें कितना टाइम लगता है पता है? उतनी देर में तुम्हें पूना से खाना खा के आ जाऊंगा। ए, कोई बातचीत नहीं। मैं तो करूंगा। कोई बातचीत नहीं, तेरी प्रॉब्लम है। मेरे स्टाइल को देख के डर के मारे हॉस्टल में छुप गई। ओ मैडम जी सुनो, क्या हाथ उठाया तुमने? ये 100 ग्राम का मर्द तुम्हें जुबान दे रहा है? इसी हॉस्टल की लड़की मेरे दोस्त की लवर बनेगी, नहीं तो मूंछ मुड़वा के बाजार में घूमूंगा, याद रखना। अरे जा रे। ए, अभी तू मेरे बारे में जानती नहीं है। ठीक है यार, कल मिलते हैं, बाय बाय। चोर को तो ये भी नहीं पता था कि इसमें पेपर्स हैं, पैसे नहीं। एक बात कहूं माजी, मैं आपको 4 दिन से देख रहा हूं, आप यहीं बस स्टैंड पे खड़ी रहती हैं। आपका बेटा आपको ले जाने वाला था ना, क्या वो अब तक नहीं आया? वो अभी तक नहीं आया बेटा, मैं उसी का इंतजार कर रही हूं। चलो।
इनकी कंडीशन बहुत सीरियस लग रही है। ए, तूने रिपोर्ट में देखा नहीं उन्हें कैंसर है, इसलिए उनका बेटा नहीं आने वाला, ये कंफर्म है। माजी, माजी क्या हुआ? सुनो, इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाते हैं। यार रोड पर बहुत सारे अनाथ लोग रहते हैं, अगर हम उन सब की देखभाल करते रहे तो एक दिन हम रोड पर आ जाएंगे। ए, तू तो एम्बुलेंस बुला। खर्चे के डर से तो इनका बेटा इन्हें यहाँ छोड़ गया, तो हम क्यों इनका खर्चा उठाएं? यहाँ कोई प्रॉब्लम में है और तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? माँ जी, चंद पैसे बचाने के लिए कोई अपनी माँ को रास्ते पर छोड़ सकता है क्या? यकीन नहीं आता दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। अरे ये कोई नई बात नहीं है, लोग ऐसे ही होते हैं। रोज सैकड़ों लोगों को देखता हूँ, कुछ लोग तो अपने माँ बाप को मार डालते हैं, ये तो फिर भी अच्छा है रास्ते पे छोड़ के गया है। पैसे के चलते माँ को छोड़ दिया ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उनके पास सच में पैसा ही ना हो। इसका मतलब इसमें किसी और की गलती नहीं, सिर्फ सोसाइटी की गलती है। सोसाइटी का मतलब क्या है? हम लोग ही है ना, फिर भी हमारे आंखों के सामने इतना अन्याय हो रहा है। हम सबके होते हुए भी इन हाथों में दम तोड़ा उस माजी ने। छह दिन से हम उन्हें देख रहे थे, लेकिन हम में से किसी ने भी उनके हालात के बारे में नहीं पूछा। आज उनकी मौत की वजह कहीं ना कहीं हम भी हैं। हम लोग क्यों वजह बनेंगे? हम भी बाकियों की तरह ही हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये अपने ही वक्त पे खत्म होगा। और कितना वक्त चाहिए तुझे यार? 10 साल, 25 साल, 50 साल या 100 साल, बताओ ना कितना टाइम चाहिए तुम्हें? ये बदलाव उन लोगों के दिलों में आना चाहिए, या हम लोग चार दीवारी में बैठकर चिल्लाएंगे ना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और फिर तू, मैं, ये, वो सोचेंगे तो कभी नहीं बदलेगा समाज। अब ये पागलों की तरह सोचना छोड़ो, चैन से जाकर सो। क्या है, मुझे देखकर छुपने की कोशिश कर रही है? ऐसी कोई बात नहीं है सर, क्लास का टाइम हो रहा है। क्लास के लिए भी बहुत टाइम है, तुम्हारा ट्रीटमेंट करना है, चलो। ट्रीटमेंट करना है? हाँ यार, आज कुछ भी खाओ, कोई टेंशन नहीं। हैं? हाय। सब समझ में आ रहा है हमें। आजकल भाई हमारे साथ बैठते जो नहीं है। वेटर। हाँ मेरे लिए। हाँ भाई क्या लाऊं? एक प्लेट पूरी। ओके। अरे थोड़ी देर। टेबल दो पर एक पूरी। ए भाई जरा जरा। कितना लग रहा है? नहीं भाई। हाँ ओके। आज हमारे बच्चों को जो जो चाहिए सब ला करके दो। बिल का टेंशन तुम बिल्कुल मत लेना, समझ गया ना? भाई यहाँ का फैन ऑन कर। ये जो भी बोल रहा है ना वो दो दो लेके आना। और जल्दी जल्दी यार। तुम लोग क्या गरीबों की तरह ऑर्डर किया जा रहे हो? चिकन, मटन, प्रॉन्स, फिश, अंडा, ये सब लेकर आओ। बिल मैं भरने वाला हूँ यार। मेरे लिए डबल। हाँ जो बोला है सब लेकर आओ। डबल याद रख। ए, चल जा। जल्दी लेके आना। ए, जल्दी लेके आना। एक भाई अगर तेरा खाना टेस्टी नहीं हुआ ना तो फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, जल्दी ला। ये लीजिए। पेट भर गया सबका? ठूस ठूस के खाया ना? और किसी को कुछ ऑर्डर करना है? चलो जाके बिल मंगाते हैं। हाँ, दिल खुश हो गया। अच्छा लगा। ए तू लेना। हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे नहीं, उस दोस्त को दो, वही बिल भरने वाला है। अब चले क्या भाई? बिल मिला, पैसे भर देना। थैंक यू भाई। देख क्या रही हो, बिल भरो। इतने पैसे मेरे पास नहीं है सर। एक प्लेट पूरी खाई है मैंने, उतना पैसा भी नहीं है तुम्हारे पास? आपके दोस्तों का खाया हुआ बिल भी यहीं पर है ना सर? तो ठीक है, उनका पैसा वो भर लेंगे। हा? तुम मेरा बिल भर दो। चलो। ए देखो से, वो तो यहाँ से चला गया यार, अब बिल कौन भरेगा रे?
बिल ही भरना है ना, इतना टेंशन क्यों ले रहा है? उसने नहीं भरा, हम लोग काउंटर करके बिल भर देंगे। चलो चलो सब लोग पैसे निकालो। हेलो 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 भाई साहब, लो बिल। बिल पे तुम लोग कंसेशन नहीं देते हो क्या? दिवाली है क्या? देखो भाई, इतने गुस्से से देखने की जरूरत नहीं है। बिल नहीं भरने वाले ग्राहकों के साथ तुम लोग क्या करते हो मुझे पता है। मैं जिंदगी में बहुत मेहनत करूंगा और तेरा बिल जरूर भरूंगा, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। तू 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 खड़ा क्यों है? बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ले पी, पी ना यार। अरे तेरा है, क्यों नहीं पी रहा है? जो सजा देते हो उसे माफ कर दे भाई। ठीक है जा भाई, छोड़ दो, स्कूल तक जाना जाने। हाँ ठीक है, बैठ जाओ, उधर ही जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हाँ आ रहा हूँ यार, ऑन द वे हूँ। फोन करके आने के लिए क्यों कहा? मैं फाइनली एक फैसले पर पहुंचा हूं। तुम लोगों का ओपिनियन चाहिए था मुझे। किसके लिए? एक फाउंडेशन ओपन करना चाहता हूं मैं। फाउंडेशन? बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा है? कितना लेट हो गया है तुझे अंदाजा भी नहीं है। छी, क्या जिंदगी है हमारी। किसी भी इंसान की मदद करने से पहले हम लोग बहुत ज्यादा सोचने लग गए। हमें जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा दिया है हमें भगवान ने, लेकिन क्या हम बदले में कुछ कर रहे हैं? किसी की भूख को मिटाने के लिए 10 निवाले चाहिए, तो क्या हम 10 हाथ आगे बढ़ाकर 10 निवाले नहीं दे सकते? पेट्रोल का रेट बढ़ गया, गैस का रेट बढ़ गया, सब्जी का रेट बढ़ गया, ऐसा हम सोचते हैं। तो सोचो हमसे गरीबों की क्या हालत होती होगी। सड़क पे भीख मांगने वाले के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं होते, और हम सूट बूट पहनने वाले लोग उन्हें पैसे देने पड़ेंगे इसलिए उनकी तरफ देखते भी नहीं है। हम सबको पता है कि हमारे देश में भिखारी है, गरीब है, मजबूर इंसान है, लेकिन उनकी मदद करने वाले हमारे देश में सिर्फ चंद लोग हैं। स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे, बच्चों को छोड़ देने वाले माँ बाप, सिर्फ 2 वक्त का खाना खाने के लिए दर दर भटकते रहते हैं। हमारे नेता सिर्फ भाषण देना जानते हैं, झूठ बोल के वोट मांगना जानते हैं, लेकिन इन गरीबों के लिए कुछ नहीं करते। जिस तरह बॉर्डर पे खड़ा वो जवान निस्वार्थ होकर हमारी रक्षा करता है, वैसे ही निस्वार्थ होकर हमें इन गरीबों की मदद करनी होगी। इसीलिए इस फाउंडेशन से हम अनहोनी को होनी करके दिखा सकते हैं, गरीबी को मिटा सकते हैं हम। ए, इस लड़ाई में सैनिक बनकर हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे फाउंडेशन का नाम क्या होगा? हमारा जात धर्म अलग है, लेकिन हम फिर भी सब उनके फैंस हैं। इस फाउंडेशन का नाम हम उन्हीं के नाम से रखेंगे, उनकी राह पे चलेंगे, उन्हीं के आदर्शों को अपनाएंगे, और यही है हमारा पवनिज्म।
क्या करना है यार? सबसे पहले आप सबको यहाँ आने के लिए थैंक्स। मैं हूँ कल्याण, हम सब सेंट जॉन्स के स्टूडेंट्स हैं और हम पवन कल्याण के फैंस हैं और हम उन्हीं के मार्गदर्शन पर इस फाउंडेशन की स्थापना करने जा रहे हैं। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है लोगों की सेवा करना, उनकी मदद करना। जिन लोगों की जिंदगी में दुख है, तकलीफ है, उसे हम जितना हो सके कम करने की कोशिश करेंगे। ये सब आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं क्या? हम ये सब लोगों के सामने हीरो बनने के लिए या पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे हीरो की वजह से हमें ये फाउंडेशन खोलने का प्रोत्साहन मिला है। जीतने के लिए लड़ना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, मजबूर इंसान की मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। हमारे आंसू पोंछने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब कोई बेसहारा रोता है तो उसके आंसू कोई नहीं पोंछता। इसी सोच को बदलने की ये हमारी छोटी सी कोशिश है और ये संस्था यही काम करने वाली है। मदद मांगने वाला, सहायता मांगने वाला, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो हमारे इस नंबर पर फोन कर सकता है। जिस तरह से भी हो हम उनकी मदद करेंगे। पवनिज्म सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है। जय हिंद। हाँ बोलिए, सही सुना है। एड्रेस बताइएगा। हाँ लिखो। कल्याण जरा जल्दी बाहर चल दो। क्या हुआ यार? बाहर कह रहा हूँ ना, बाहर चल। बेटा, मेरी बेटी को हार्ट का प्रॉब्लम है, हम इसको ऑपरेशन नहीं कर सकते। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ इसे बचा। लेकिन माँ जी, आपके पास जो हेल्थ कार्ड है उससे आप सरकार की मदद ले सकती हैं। सरकार आधी मदद करेगी, बाकी हमें ही भरना पड़ेगा, पर उतनी भी हमारी हैसियत नहीं है। बाकी लड़कियों की तरह मुझे भी हायर स्टडीज करनी है, लेकिन मेरे माता पिता के पास उतने पैसे नहीं है। आप ही मेरी मदद कीजिए ना भैया। मैं काम नहीं करना चाहता, स्कूल जाना चाहता हूँ। आपकी जो भी समस्या है हमें आपके एड्रेस के साथ लिख कर दीजिए। आपकी समस्या का जितना जल्दी समाधान हो सके हम करेंगे। फ्रेंड्स, हाय। हम पवन कल्याण फाउंडेशन की तरफ से आए हैं। आप में से पवन कल्याण का फैन कौन कौन है? तुम्हारा नाम क्या है ब्रदर? रमेश। तुम्हें वो क्यों इतने पसंद है? उनका हीरोइज्म प्लस कैरेक्टर। ओह सुपर्ब। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? शिवशंकर। आपको वो क्यों पसंद है? मैनरिज्म कैरेक्टर। आपका नाम मैडम? शैलजा। आपको उनमें क्या अच्छा लगता है? मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स। तो ये क्लियर हो गया कि आप सब उन्हें चाहते हो। आप लोगों ने एक बात नोट की, आप सब ने उनके बारे में एक कॉमन बात की और वो है उनका कैरेक्टर। मतलब आप उनकी रियल लाइफ हीरोइज्म के साथ उनके रियल लाइफ हीरोइज्म को भी पसंद करते हैं, है ना? रियल लाइफ में जो उनके मॉरल वैल्यूज हैं, उनको, लोगों की मदद करने की आदत को हम अपना इंस्पिरेशन बना रहे हैं। जरा एक बार सोचिए, आप में से कितने लोग अपने आस पड़ोस के बारे में सोचते हैं? किसी की समस्या देख कर उसके लिए आंसू निकलते हैं, लेकिन हम उसके लिए कुछ करते नहीं, उसके लिए जेब से एक पैसा नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि आज हम उसकी जगह पर नहीं है, बस इसलिए। जिसकी प्रॉब्लम है वही देखेगा, ऐसी सोच बना ली है हमने। 10th स्टैंडर्ड में 4th रैंक पे आने के बावजूद पैसे ना होने की वजह से एक गरीब बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी। एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा एमसेट में टॉप आता है। मेडिकल में टॉप 20th रैंक पे आने वाली एक लड़की को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। ऐसे न्यूज हम अखबार में रोज पढ़ते हैं।
अखबार वाले पेपर वेस्ट करते जा रहे हैं लेकिन हमारे दिल पर कोई असर नहीं हो रहा है। मुझे ये सोच बदलनी है फ्रेंड्स, सिर्फ अपने ही सुख और दुख के बारे में नहीं सोचना है अभी, सामने वाले को अगर कोई तकलीफ हो तो उसमें भी शामिल होना है हमें। उससे सिर्फ हमदर्दी करके नहीं छोड़ेंगे। पवन कल्याण के जितने भी फैंस हैं, चाहे कितना भी बुरा टाइम क्यों ना चल रहा हो, वो किसी भी तरह अपने पॉकेट को मैनेज करता है लेकिन टिकट जरूर खरीदता है। उसी में से एक छोटी सी रकम देनी है, ये देखिए, इन लोगों की मदद के लिए। इन बेबसों को सिर्फ भरोसे की जरूरत है। हाँ, इतने लोग हैं, कोई ना कोई मदद करेगा, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि हम दान नहीं मांग रहे, मदद मांग रहे। ये पवन जी की राह है और पवन जी के ही आदर्श, यही है पवनिज्म। आपकी बेटी के जिंदा रहने की वजह सिर्फ मैं अकेला नहीं, हमारे फाउंडेशन में जितने लोग डोनेशन दे रहे हैं वो सब हैं। छोटू ठीक से पढ़ रहा है ना? पढ़ रहा हूँ भैया। रोज स्कूल जाना है? हाँ भैया। बड़ा आदमी बनना है? ठीक है भैया। जा, बाय भैया। हेलो कल्याण, एमएलए जी बोल रहे हैं, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आपने कैसे याद किया? देख रहा हूँ भाई तुम्हें टीवी में, वीडियोज में, पेपर में छपी फोटोज में, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखो आपके पवनिज्म के लड़के अगर इस शहर के 10 लोगों की भी मदद करें तो दुनिया में इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। कल्याण, तुम्हारी टीम के लिए कभी भी किसी वक्त कोई जरूरत पड़े तो ये एमएलए परमेश्वर हमेशा तैयार रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, अगर आप जैसे लोगों का साथ रहे तो हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। रियली थैंक यू सर। हाँ ओके सर, ओके। यहाँ के एमएलए हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये क्या सर, आप उसकी बढ़ाई कर रहे हैं? बेवकूफ हो, फोन कर लिया तो क्या फर्क पड़ गया, 10 मिनट का टॉक टाइम में तो गया। अगर ये लोग राजनीति में आ गए तो हमें टेंशन हो जाएगी, समाज सेवा करते रहेंगे तो हम लोग टेंशन फ्री रहेंगे। ठाकुर साहब ने एक बार फिर अपनी उदारता का परिचय दिया है। ठाकुर साहब हर उस इंसान की मदद करते हैं जो उन तक अपनी फरियाद पहुंचाता है, और 10 अनाथ बच्चों को गोद लेकर उन्होंने फिर से सबके मन में इंसानियत जगा दी है। हमें ना इनसे मिलना चाहिए, इनके सजेशन हमारे बहुत काम आ सकते हैं। पता नहीं, चल देखते हैं। क्यों भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? कांग्रेट्स यार, पवनिज्म नाम की संस्था के द्वारा तुम लोग जो काम कर रहे हो उसे टीवी पर देखकर अप्रिशिएट करने आया हूँ मैं। तुम्हारे अप्रिसिएशन और तुम्हारे ऑल द बेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, जाओ। एक बार कल्याण से मिलना चाहता हूँ। जिससे तुम मिलना चाहते हो वो तुम्हारी तरह फ्री नहीं बैठा है, उसके पास बहुत काम है, तुम जाओ यहाँ से। उससे मिलकर चला जाऊंगा। एक बार कहना जा, यहाँ से जा सकता है। चल चल जा, एक बार मिलना। अरे जाना, चल। क्या बे, समझ में नहीं आ रहा है क्या? चल निकल। अबे कह रहा हूं जा यहां से। आराम से। मुझे क्या लड़की समझ रखा है? यही बिल्डिंग थी ना, वो यहीं से गई थी ना। लेकिन शायद लड़की तो उस फ्लैट में गई थी, याद कर। एक्सक्यूज मी, हाँ? आप श्वेता को जानती हैं? हाँ जानती हूँ। मेरा नाम पवन है, श्वेता का फ्रेंड।
मेरा नाम गिरी है, मैं भी श्वेता का फ्रेंड हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? स्वाति। आगे की बात कर। कंफर्म श्वेता को जानती हो ना? हाँ कंफर्म, वो मेरी रूममेट है। श्वेता रूम में है क्या? नहीं वो गांव गई है। गांव गई है? कौन से गांव? कब गई वो? अपने मामा जी के गांव करनूल। करनूल? ये करनूल कहाँ यार? नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। आप लोग? मेरा नाम रंगैया है, हम यहाँ बाजू की गली में बैंकट नगर में काम करते हैं। आपकी हम क्या मदद करें? सरकार ने हमारे लिए गांव के बाहर थोड़ी सी जमीन दी है ताकि वहाँ हम कुछ धंधा कर सकें। ये तो अच्छी बात है ना? मगर उस जमीन पर कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया है। पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए था। हम कंप्लेंट करने गए थे लेकिन उन गुंडों ने पुलिस को पैसा खिलाया और हमारा कंप्लेंट करना कोई काम नहीं आया सर। तो फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों ने क्या कहा? रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो तो हमारी बात तक नहीं सुनता है सर। ये लोग तो हमारी मदद नहीं करने वाले, कम से कम आप ही हमारी कुछ मदद कर दीजिए। ये तो जमीन पर कब्जा करने की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे मदद करें? हाँ हमारे पहचान के एक एमएलए हैं, उनसे जाकर बात कर सकते हैं। कल्याण क्या प्रॉब्लम है, ये लोग कौन है? इन्हें गवर्नमेंट ने जमीन दी थी, उस पर कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया है, यही इनकी प्रॉब्लम है। क्या कर सकते हैं साहब, इस हालत में हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो एमएलए हमारे साथ है, इस समस्या को मैं उनके सामने रखकर देखता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ओके आप ऐसे क्यों हंस रहे हो सर? वो एमएलए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा ऐसी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। उनसे मिलने के पहले ही हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं, एक बार उनसे मिलके देखना चाहिए। ठीक है तुम्हारी मर्जी। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप यहाँ कैसे? आप तो अच्छे से रहते हैं, आपका एक सुखी परिवार है, आप तो राजनीति भी नहीं करते, तो परेशानी क्या है? अब देखो मैं राजनीति में हूँ तो मेरा बीपी हमेशा हाई रहता है। वैसे ये तो बताओ इस तरफ कैसे आने हुआ और ये लोग कौन है? ये कल्याण है, पवनिज्म का फाउंडर। अरे हाँ मुझे याद आया, मैंने तो तुम्हें फोन किया था, बहुत अच्छे इंसान है, सुपर बॉयज, ग्लैड टू मीट यू, वेरी हैप्पी। बताइए बात क्या है? पंचवटी कॉलोनी के लोगों को घर बनाने के लिए सरकार ने उन्हें जमीन दी है, उस जगह पर किसी ने कब्जा कर लिया है, वही बताने के लिए आपके पास आए हैं। अरे सर उस जगह पे तो कब्जा मैंने ही किया हुआ है। एक एमएलए होने के बावजूद आप इस तरह का काम करते हैं? सर हमारी राजनीति एक बिजनेस है और राजनीति में सभी के सभी स्वार्थी होते हैं। सर ये लोग फोकट में वोट थोड़ी डालते हैं, पैसा देते हैं तो वोट मिलते हैं, पिलाते हैं तो वोट मिलते हैं, और खिलाते हैं तभी ही वोट मिलते हैं। जो जिसकी जात का रहेगा वोट उसी को मिलते रहेंगे। हर आदमी अपने धर्म वाले को ही वोट डालता है, कुमार डालेगा कुमार को, रेड्डी को रेड्डी, कोली को कोली, कृष्ण को कृष्ण, मुस्लिम को मुस्लिम, ब्राह्मण टू ब्राह्मण, सब यही करते हैं। क्या ये स्वार्थ नहीं है? मुझे अकेले कोई मतलब ही और स्वार्थी कह रहे हो? सर अभी 94 पे खेल रहा हूँ, सेंचुरी मारनी है, आप लोग जरा बाहर खड़े होकर देखिए। ए बैट कहाँ रहे? लीजिए सर। बॉलर्स और फील्डर्स चलो फील्ड में आ जाओ। लोगों की सेवा करने वाले ऐसा करेंगे तो कैसे होगा? आप लोग क्या कर सकते हैं सर, जब हमारे नसीब को भगवान ने इस तरह लिखा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। सुना इन्होंने क्या कहा, कितने दुखी हैं ये लोग। एक दिन दुखी होना, दो दिन दुखी होना, महीने पर दुखी होने की वजह दुख नहीं है, डर है। कदम उठाया तो उसके अंजाम का डर। अगर हम डरते रहेंगे तो वो हमें डराते रहेंगे, लेकिन अगर हमने डरना छोड़ दिया तो डरने की बारी उनकी होगी। हमारे वोट डालने पर ही वो जीता है और आज हम पर हुक्म चला रहा है। हमसे सेवा करवाने वाला चाहिए, काम करवाने वाला नहीं। अगर किसी ऐसे की जरूरत है तो भगवान को ही आना पड़ेगा। तो वो भगवान आप क्यों नहीं बन जाते सर? मैं और राजनीति में रहकर? जी हाँ सर, लोगों की मदद करने वाले आप हैं, आप राजनीति में क्यों नहीं उतरते? जहाँ तक मेरी सोच है राजनीति आज बिजनेस बन चुका है, एक्सपीरियंस रखने वालों ने ही राजनीति को व्यापार बना दिया है, सच्चाई को ग्राम के हिसाब से, झूठ को टन के हिसाब से करने वाला व्यापार, भरोसे को बेचने वाला और सच्चाई को छुपाने वाला व्यापार, फायदे और नुकसान का जहाँ कोई संबंध नहीं वैसा व्यापार, आम लोगों से छीनकर अपने लोगों में बांटने वाला ये व्यापार, ऐसी गंदी राजनीति में बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन उसी जिंदगी में लोग यहाँ मर रहे हैं सर। क्या बोल रहे हो कल्याण? जी हाँ सर, जब तक ऐसे मतलबी लोग राजनीति में रहेंगे लोगों का यही हाल होगा। आप जैसे अच्छे लोगों के राजनीति में आने से ही इनका जीवन बदल सकता है। जरा सोच के देखिए सर। ओके कल्याण, अगर जनता की भलाई का सवाल है तो एमएलए जरूर बनूंगा। चलो ब्रेकिंग न्यूज, पवनिज्म का सपोर्ट लेकर राजनीति में आने वाले हैं ठाकुर साहब। टीवी क्या देख रहे हैं सर, आगे क्या करना है वो सोचिए।
एमएलए बने रहने का मतलब लोगों की सेवा करना जितना आसान नहीं है। अगर वही क्वालिफिकेशन होती तो आज की तारीख में नेता लोग असेंबली में नहीं होते, घर में बैठे होते आहा करके बर्तन घिसते। आप क्या करने गए थे, क्या हो गया? उनकी जमीन पर आप दादागिरी से कब्जा करने गए थे, अब अपनी ही जमीन पर खतरा हो गया, जाने दीजिए सर। ऐसे बहुत देखे हैं, इलेक्शन में खड़े होने जैसे क्या उनके पास? क्या इलेक्शन में लोगों को बांटने के लिए पैसा है, लोगों को नशे में रखने के लिए बांटने के लिए बोतल है? क्या जान देने वाले कार्यकर्ता है उनके साथ? और अगर कुछ हुआ तो जान लेने वाले गुंडे हैं उनके पास? सरकारी मदद है उनके पास? क्या हथियार है उनके पास? क्या उनके पास मेरे जैसा दम है? सर जी, उससे भी बढ़कर पवनिज्म की टीम है उनके पास। कौन सा पवनिज्म? वो बच्चे लोग जो चला रहे वो कंपनी, मतलब उन्होंने सपोर्ट किया तो वो जीत जाएगा क्या? राजनीति का मतलब क्या है? फिल्म रिलीज के दिन थिएटर में बैठकर कागजों को फाड़ते हुए आ आ चिल्लाने को राजनीति नहीं कहते। कागज उड़ाना, दूध से अभिषेक करना, ये सब पुरानी बात हो गई सर। लेकिन वो लोग अब लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं, यहीं से शुरू होती है अपनी प्रॉब्लम। उन लोगों को हीरो इतना पसंद है तो ब्लैक में टिकट खरीद कर लोगों को फिल्म दिखा, और ज्यादा फैंस हुए तो उन्हें फ्रूट्स और चादर बांट देना। ये सब छोड़कर अगर वो राजनीति में आया तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। क्या करेगा, चिल्लाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता तू। उन लोगों के बारे में आप बहुत कम सोच रहे हैं सर। भले ही उनके पास आपकी तरह पैसे नहीं बांटने के लिए, लेकिन उनके पास आत्मविश्वास है। उनके पास आपके जितना साधन भले ही न हो, लेकिन उनके पास स्वाभिमान है। उनकी टीम में अगर 6 साल के बच्चे को वोट डालने का हक होगा तो कल को वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है सर। अरे मस्तान, ये क्या बिल्डअप दे रहे हैं? अपने कॉर्पोरेटर आत्मविश्वास और अभिमान की बात करके उसको बिल्डअप दे रहे हैं? इस बिल्डअप का पैकअप हो जाना चाहिए। ठीक है मालिक। कहाँ ले आया? बेकार में कर्नूल घुमा रहा है। तू कंफर्म है वो यहाँ मिलेगी या बेकार में हमें यहाँ तक लेके आया? वो तेरी गर्लफ्रेंड है ना, तो हम क्यों ढूंढे? चुप करेगा, सर मुंह बंद रखेगा। अरे यार, इतने बड़े शॉपिंग मॉल में लाया है, कुछ तो खरीद देना यार, कच्चा बनियान कुछ भी। तुम भी यार, हम उसके लिए आए हैं क्या? तेरे लिए हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, वरना हम लोगों का कोई काम नहीं है। खाना तो खिला दे यार, बहुत भूख लगी है। ये लंच टाइम है क्या? चल पता नहीं उसे कहाँ ढूंढना है। जाने जा मैं यहाँ, तू कहाँ ढूंढता ही रहा, तू कहाँ? दी कर्नूल सेंटर। बापरे, कर्नूल बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ यार, सोचा नहीं था। गणपति बप्पा, बोरिया, कोई रास्ता निकालो बप्पा, मेरे दोस्त को लड़की जल्दी से मिल जाए बस। आपकी बड़ी मूर्ति बनाऊंगा, मिलवाएंगे ना? पास और टकली बेबी। श्वेता दिखे तो प्लीज बताना, बोल तो नहीं सकती, मुंडी हिला देना, ठीक है ना? बाय। ये भाई, अगर आज उस लड़की से नहीं मिल पाया ना तो मैं हैदराबाद वापस लौट जाऊंगा। प्लीज, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। काम करने करना। वही तो कर रहा हूँ, देखा जाकर दिन है, लड़की मिली तो ठीक, नहीं तो लौट जाएंगे। मेरे पिताजी फोन कर रहे हैं, अब क्या बताऊं उन्हें? हाँ डैडी, बोलिए। मैं यहाँ कर्नूल के आलमपुर जोगा धामेश्वर मंदिर में दर्शन करने आया हूँ। क्या कहा आपको, हार्ट अटैक आ रहा है? संभल के बाबा, टेंशन मत लो, रखता हूँ। छह, आज कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, वरना मेरा बाप मुझे घर में नहीं घुसने देगा। वो और उसका प्यार। हमें बाहर जाना है, चल। ए, चल जाना। चल यार। ए, कहाँ जाना है? 2 दिन से पागलों की तरह तू हमें अपने पीछे घुमा रहा है। आखिर उस लड़की के बारे में तुझे क्या पता है? उस लड़की का नाम श्वेता है, बस इतना ही पता है ना? क्या ऐसे तू उसे ढूंढ पाएगा? अरे चल ना, नहीं मानेगा ना? तू ऐसा करेगा क्या? छोड़ रहे, मैं नहीं आ रहा। प्लीज, कहाँ मैं नहीं आऊंगा। चलना, प्लीज यार।
यार, मैं पूरी तरह थक चुका हूँ, मैं वापस हैदराबाद जा रहा हूँ। अगर वो लड़की मिल जाए तो हैदराबाद आ जाना, वरना जो तेरे दिल में आया करना। सर आप यहाँ कैसे? वो अपने फ्रेंड के लिए आया हूँ। अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताऊँ? हाँ बताओ। कई दिनों से बोलना चाहती हूँ, आई लव यू। ऐसे क्या देख रहे हैं, लव एट फर्स्ट साइट सिर्फ लड़कों को ही होता है क्या? लड़कियों को नहीं हो सकता? जब से आप कर्नूल आए हैं मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। जितनी बेचैनी से आप मुझे ढूंढ रहे हैं वही बेचैनी मुझे आपके और करीब ले आई है। अरे भाई कहाँ गायब हो गया था? क्या हाल है? हाय हाय हे, तेरे लिए गुड न्यूज़ है यार। क्या है गुड न्यूज़, बोलना। बुजुर्गों ने कहा है कि ज्यादा करोगे सेवा तो कभी नहीं मिलेगा मेवा। कुछ लोग भड़क गए, उन्हें पूरी तरह से पीटा, अब वो सब लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। कौन से हॉस्पिटल? सोसाइटी की सेवा करने को छोटी बात समझ रहा था, उतरने पे पता चला कि कितने गड्ढे हैं और एक गड्ढे में तो वो खुद ही घुस गया। हॉस्पिटल है बताएगा? फिर से तू उनके हॉस्पिटल के बारे में क्यों? हॉस्पिटल तुम्हें क्या करना है? अचानक तुम्हें ये हमदर्दी क्यों होने लगी? चुप करना। माना कि वो हमें पसंद नहीं करते लेकिन उनका काम सही है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए ना कि मजाक उड़ाना चाहिए। वो हॉस्पिटल में पड़े ये सब सुनकर हमें कितनी खुशी हुई। अरे तुम हो, तुम उन्हें देखने की बात कर रहे हो, हमारे दुश्मन है वो। चुप रहे यार, गलत फहमी की वजह से उन लोगों ने हमसे झगड़ा किया तो बदले में हम क्या करें, उनसे दुश्मनी बढ़ाते रहे? वो लोग भी हमारे ही साथी हैं, पवन कल्याण के फैन हैं वो लोग। हॉस्पिटल जाकर उन्हें देखना हमारा फर्ज बनता है। क्या यार, तू समझने की कोशिश तो। अभी कुछ नहीं सुनना चाहता, चलो चलते। अरे यार चलो, सेवा करेंगे, मदद करेंगे, किसी और के मामले में टांग अड़ाएंगे तो ऐसा ही होगा ना। हम लोग को ये सब क्या सूझी यार, एग्जाम आया तो पढ़ाई करने का, फिल्म रिलीज हुई तो थिएटर में जाने का, ये सब छोड़ के यहाँ कहाँ फंस गए? मत बोलो हमसे पंगा लिया था, लेकिन तुम लोग पवन कल्याण के फैंस हो इसलिए छोड़ दिया था। लेकिन हर कोई हमारे तरह रहमदिल नहीं होता, देखा क्या हालत कर दी है। यहाँ देखो, यहाँ हर एक को देखो, गेहूं की तरह पीस दिया है। क्या हुआ भाई? उन्होंने हमें मारा इसके लिए हम दुखी नहीं हैं, लेकिन उसने हमारे पवन जी के आदर्शों और आशाओं को भला बुरा कहा, इसलिए हम दुखी हैं। ये क्या कह रहा है यार? क्या? कल्याण, 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 क्या हुआ यार? ऑफिस में कुछ गुंडे घुस आए थे। छोड़ो उसे। Thank you.
लगता है उन लोगों ने फिर से ऑफिस खोला है। चल गाड़ी पीछे ले, पीछे ले। ए, देख जरा अंदर कौन है। कौन है जिसने उस झंडे को निकाला था? दाढ़ी वाले ने झंडे को निकाला था।
सर, हमारे भेजे हुए आदमियों को किसी ने मारा, ऐसा बोल रहा है सर। हमारे आदमी को मारने की हिम्मत किसमें? तुझे खबर मिल ही चुकी होगी कि तेरे आदमियों को किसी ने मारा है। वो मैं ही हूँ, ये कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तू अपने लोगों पे अपना गुस्सा दिखाएगा तो वो तुझे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर तूने पवन कल्याण फैंस के ऊपर गुस्सा दिखाया तो कोई आएगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, ऐसा मत सोचना। पवनिज्म के ऑफिस के बाहर तेरे आदमियों को अच्छे से सबक सिखा दिया है मैंने। अगर नौकरों का यह हाल किया तो मालिक का क्या हाल करूंगा, तू सोच भी नहीं सकता। अब मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे ही एरिया में, तेरे ही अपोजिशन में ठाकुर को हम तेरे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, हम उन्हें जिताएंगे। तुझे जो करना है कर दे, तेरे पास ताकत है, अधिकार है, पैसा है, गुंडे हैं, इन्फ्लुएंस है, एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट है, ईगो है, सब इस्तेमाल कर ले, लेकिन तुझे हारना ही पड़ेगा हमारे सामने। ए, किससे बात कर रहा है जानता है तू? जानता हूँ, करीब 1,00,000 वोट है इस एरिया में, 25,000 पैसे से और 35,000 पिलाकर, पिलाने के बाद फ्री का चिकन बिरयानी का पैकेट देकर, बेचारे गरीबों को दिन रात बेवकूफ बनाकर, बचे 40,000 लोगों को डराकर आज तक तू चुनाव जीतता आया है। अगर हम किसी को शिखर पे पहुंचाना जानते हैं तो उसे मिट्टी में कैसे मिलाया जाए वो भी जानते हैं। चिल्लाओ मत। तूने क्या हम लोगों को अपना पाला हुआ गुंडा समझ रखा है जो तेरे चिल्लाने पे हम डर जाएंगे? पवन कल्याण के फैंस हैं हम, सब्र करेंगे, प्यार करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों ने अगर हमसे पंगा लिया तो उसे चीर के रख देंगे। उसने जो बोला ऐसा करके दिखाएगा क्या? वो लोग पवन कल्याण के फैंस हैं सर, दिखने में उनके जैसे ही साइलेंट हैं, लेकिन उनसे पंगा लिया तो जैसे बॉक्स ऑफिस हिलता है वैसे अपोजिशन पार्टी भी हिल जाएगी। हिलाकर रख देंगे, हिलाकर रख देंगे, हिलाकर रख देंगे। क्या सर, वो इतना वायलेंटली रिएक्ट करके गया और आप इतना साइलेंटली बैठे हुए हैं? उसकी हाइट 6 फीट है और वेट 78 kg और उसकी मूंछ की उम्र लगभग 10 साल है, उसके गुस्से की उम्र है 15 साल, टोटल हो गए 25 साल, और ठीक उतना ही मेरा राजनीति में अनुभव है, तो मैं उस पर क्यों रिएक्ट करूं? सही टाइम चाहिए, सही टाइम आया तो घन 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 बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दूं। ए, वो लोग अपने ही लोग हैं, गेट खोल दो। हमने जो सोचा उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें पावर की जरूरत है। हाय सर। हाय सर, पर चोट कैसे आई? छोटा सा एक्सीडेंट हुआ सर। ओ श्रुति, आओ बेटी, ये कल्याण। हाय। पवनिज्म टीम का फाउंडर, ये मेरी बेटी श्रुति। हेलो। और ये सब मेंबर्स। हाय। हाय। हेलो। हेलो। हाय। हेलो। हाँ बोलिए सर, तुम लोग बात करते रहो। ओके सर। हे, 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 हे,
सुनो, तुम सबको एक बात बतानी है। खत्म किया। उसके बाद श्रुति का बर्थडे है, हम सबको इनवाइट किया है। तुम सब रेडी रहना। बाय बाय बाय। क्या यार, किसी पार्टी की बात कर रहा था? श्रुति का बर्थडे है यार। श्रुति का बर्थडे? पार्टी कहाँ रखी है? उसके घर पे। ठीक है, सब रेडी हो जाओ, शाम को उसकी पार्टी में जाएंगे। अरे शाम को एक काम याद आ गया यार, हम सब वो काम को निपटा के तुझसे वहीं मिलते हैं। ओके ओके ओके, चलो उधर मिलेंगे। बाय बाय। सडनली ये सरप्राइज क्यों? स्पेशल डे पे सरप्राइज नहीं दूंगा तो और कब दूंगा? स्पेशल डे है वो क्या है? अब बस भी करो, आज तुम्हारा बर्थडे है। मेरे बर्थडे को 2 महीने बाकी है। अच्छा, आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है? मेरा बर्थडे होगा तो डेकोरेशन होगा, दोस्त होंगे, पार्टी भी होगी ना। बात तो सही है, पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? कौन? छोड़ो, थोड़ा पानी मिलेगा? ओके। कहाँ हो यार तुम लोग? फंक्शन स्टार्ट हो गया? तुम किस श्रुति की बात कर रहे थे? जूनियर श्रुति? हाँ ठीक है आ रहा हूँ, चल। ऐसे मुझे क्या देख रही हो? वो मैं समझ सकता हूँ तुम क्या सोच रही हो। उस दिन मंदिर के पास भी मैं आया था, आज बर्थडे भी नहीं है, फिर भी बर्थडे मनाने आ गया। सच बोलो, यही सोच रही हो ना? ऐसा कुछ नहीं है। थैंक गॉड ऐसा नहीं सोच रही हो। फिर मिलेंगे। ये गिफ्ट वापस ले जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे भी 2 महीने में तुम्हारा बर्थडे है। एडवांस हैप्पी बर्थडे। आज तक कभी किसी ने इतनी एडवांस में बर्थडे विश नहीं किया। ओके बाय, फिर मिलेंगे। हाँ राज। हाँ रमन। हाय 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 पवन। हाय बाप रे। हाय हाय। क्या हुआ, बहुत सीरियस लग रहा है? ये सुबह से ऐसा ही है यार। ऐसा है? हाँ। अभी तक प्लान फुल सक्सेसफुल नहीं हुआ, लगता है अगली बार शॉक देना पड़ेगा। आ जा। हे, अरे क्या हाल है भाई? ये सिम अपने मोबाइल में डालकर उसे कॉल कर। ठीक है। हेलो, कौन? मैं हूँ श्रुति। हाँ श्रुति बोलो। अभी बात करूँ या आप बिजी हो? नहीं मैं फ्री हूँ, बोलो। ब्रेकफास्ट किया क्या? हाँ अभी क्या? अर्जेंटली शॉपिंग जाना था, डैडी भी घर में नहीं है, अगर आप मेरे साथ आ जाते तो। हाँ तुम कहाँ हो श्रुति? घर में। वहीं रुकिए, मैं आता हूँ मैं आता हूँ। शॉपिंग जैसे खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम फिल्म देखने जाएंगे, उसके बाद डिनर, उसके बाद उसके बाद उसके बाद फिल्म देखनी है तुझे? अब मैं फिल्म दिखाऊंगा नहीं, बनाऊंगा, वो भी तेरी। और ये जो फाइल, मिमिक्री तो बहुत अच्छी कर लेता है, कहाँ से सीखा तूने? भाई ये आइडिया किसका था वैसे? ये आइडिया ना पवन का था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे चलो ना, आना फिल्म देखते हैं। सर मैं आता हूँ। श्रुति का बर्थडे पार्टी, बिरयानी और बोतल नहीं चाहिए तुझे? चल निकलते हैं। अच्छा बेवकूफ बनाया। मैं नहीं जा रहा। अब कहाँ जा रहे हो? इधर आ, इधर आ। अरे अरे निकल निकल निकल। हट जा हट जा। कच्चा दिखा। अरे मैं तो बोल रहा हूँ। बाहर निकल निकल। तू क्यों भाग रहा है? ना सेता थोड़ा बोल रहा है। चल नहीं बच जाने वाला है तू। मारेगा बहुत। चल चलना है। भाग ले जल्दी। क्या चल रहा है ये सब? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। तुम यहाँ कैसे? शॉपिंग जाना था, साथ में कोई नहीं है, अगर आप मेरे साथ चलते तो। ठीक है चलता हूँ। ये
तो दिन ब दिन क्लोज होते जा रहे हैं। अंकल कौन हो बेटी तुम? अंकल मेरा नाम श्वेता है अंकल, जूनियर बोलूंगी तो डाउट हो जाएगा। मैं पवन की क्लासमेट हूँ अंकल। आ जाओ बेटी बैठो। कैसे आना हुआ? कुछ नहीं अंकल, पवन से नोट्स लेने थे इसीलिए आई हूँ। क्या मेरा बेटा नोट्स भी लिखने लगा? हाँ, कौन है जी ये लड़की? अपने पवन की क्लासमेट है। हाँ। नोट्स लेने के लिए आई है। ओ, वो रेडी हो रहा है, आता ही होगा। अभी बेटी को दे दो। हाँ, ये लो बेटी। थैंक्स आंटी। बेटी पवन पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है ना? बिल्कुल आंटी, पूरा ध्यान देता है। क्लास में कोई भी सवाल पूछो सारे जवाब उसे मालूम होते हैं। उसे देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, तुम गलत मत समझो। हाँ, कॉफी पियो ना? हाँ पीती हूँ आंटी। ये लो आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नोट्स लेने आई थी। वो देखो उसके हाथ में नोटबुक, लेकिन उस नोटबुक में तुम्हें कभी नोट्स मिलेंगे ही नहीं। मुझे पता है तुम उसे लेने आई हो। जाओ ले जाओ। हाँ जाओ। ओके बाय आंटी। बाय 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 माँ। चलो यहाँ आने की क्या जरूरत है? मुझे दे दो। मैं कट करूंगा। मैं कट करूंगा। लड़ क्यों रहे तुम लोग? आप ही बताओ, मेरा बर्थडे है तो मुझे केक कट करना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल। नहीं अंकल, हमेशा यही काटता है, इस बार मैं काटूंगी। इस बात के लिए तुम लड़ रहे हो? देखो जिसका बर्थडे होता है वही केक काटता है। तुम्हारे बर्थडे के दिन इससे भी बड़ा केक लाएंगे और ग्रैंड पार्टी करेंगे। चलो चलो। हमारे पहचान के एक एमएलए हैं, उनसे जाकर बात कर सकते हैं। कल्याण क्या प्रॉब्लम है, ये लोग कौन हैं? इन्हें गवर्नमेंट ने जमीन दी थी, उस पर कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया है, यही इनकी प्रॉब्लम है। क्या कर सकते हैं साहब, इस हालत में हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो एमएलए हमारे साथ है। इस समस्या को मैं उनके सामने रखकर देखता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ओके आप ऐसे क्यों हंस रहे हो सर? वो एमएलए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा ऐसी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। उनसे मिलने के पहले ही हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं, एक बार उनसे मिलके देखना चाहिए। ठीक है तुम्हारी मर्जी। On same time, happy death day to you. आप यहाँ कैसे? आप तो अच्छे से रहते हैं, आपका एक सुखी परिवार है, आप तो राजनीति भी नहीं करते, तो परेशानी क्या है? अब देखो मैं राजनीति में हूँ तो मेरा बीपी हमेशा हाई रहता है। वैसे ये तो बताओ इस तरफ कैसे आना हुआ और ये लोग कौन है? ये कल्याण है, पवनिज्म का फाउंडर। अरे हाँ मुझे याद आया, मैंने तो तुम्हें फोन किया था। बहुत अच्छे इंसान है, सुपर बॉयज, ग्लैड टू मीट यू, वेरी हैप्पी। बताइए बात क्या है? पंचवटी कॉलोनी के लोगों को घर बनाने के लिए सरकार ने उन्हें जमीन दी है, उस जगह पर किसी ने कब्जा कर लिया है, वही बताने के लिए आपके पास आए हैं। अरे सर उस जगह पर तो कब्जा मैंने ही किया हुआ है। एक एमएलए होने के बावजूद आप इस तरह का काम करते हैं? सर हमारी राजनीति एक बिजनेस है और राजनीति में सभी के सभी स्वार्थी होते हैं। सर ये लोग फोकट में वोट थोड़ी डालते हैं, पैसा देते हैं तो वोट मिलते हैं, पिलाते हैं तो वोट मिलते हैं, और खिलाते हैं तभी ही वोट मिलते हैं। जो जिसकी जात का रहेगा वोट उसी को मिलते रहेंगे। हर आदमी अपने धर्म वाले को ही वोट डालता है। कुमार डालेगा कुमार को, रेड्डी को रेड्डी, कोली को कोली, कृष्ण को कृष्ण, मुस्लिम को मुस्लिम, ब्राह्मण टू ब्राह्मण, सब यही करते हैं। क्या ये स्वार्थ नहीं है? मुझे अकेले कोई मतलब और स्वार्थी कह रहे हो? सर अभी 94 पे खेल रहा हूँ, सेंचुरी मारनी है, आप लोग जरा बाहर खड़े होकर देखिए। ए बैट कहाँ रहे? ले लीजिए सर। बॉलर्स और फील्डर्स चलो फील्ड में आ जाओ। लोगों की सेवा करने वाले ऐसा करेंगे तो कैसे होगा? आप लोग क्या कर सकते हैं सर, जब हमारे नसीब को भगवान ने इस तरह लिखा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। सुना इन्होंने क्या कहा, कितने दुखी हैं ये लोग। एक दिन दुखी होना, दो दिन दुखी होना, महीने भर दुखी होने की वजह दुख नहीं है, डर है। कदम उठाया तो उसके अंजाम का डर। अगर हम डरते रहेंगे तो वो हमें डराते रहेंगे, लेकिन अगर हमने डरना छोड़ दिया तो डरने की बारी उनकी होगी। हमारे वोट डालने पर ही वो जीता है और आज हम पर हुक्म चला रहा है। हमसे सेवा करवाने वाला चाहिए, काम करवाने वाला नहीं। अगर किसी ऐसे की जरूरत है
तो भगवान को ही आना पड़ेगा। तो वो भगवान आप क्यों नहीं बन जाते सर? मैं और राजनीति में रहकर? जी हाँ सर, लोगों की मदद करने वाले आप हैं, आप राजनीति में क्यों नहीं उतरते? जहाँ तक मेरी सोच है, राजनीति आज बिजनेस बन चुका है। एक्सपीरियंस रखने वालों ने ही राजनीति को व्यापार बना दिया है। सच्चाई को ग्राम के हिसाब से, झूठ को टन के हिसाब से करने वाला व्यापार, भरोसे को बेचने वाला और सच्चाई को छुपाने वाला व्यापार, फायदे और नुकसान का जहाँ कोई संबंध नहीं वैसा व्यापार, आम लोगों से छीन कर अपने लोगों में बांटने वाला ये व्यापार, ऐसी गंदी राजनीति में बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन उसी जिंदगी में लोग यहाँ मर रहे हैं सर। क्या बोल रहे हो कल्याण? जी हाँ सर, जब तक ऐसे मतलबी लोग राजनीति में रहेंगे, लोगों का यही हाल होगा। आप जैसे अच्छे लोगों के राजनीति में आने से ही इनका जीवन बदल सकता है। जरा सोच के देखिए सर। ओके कल्याण, अगर जनता की भलाई का सवाल है तो एमएलए जरूर बनूंगा। सर, मैं तो आपको पवनिज्म के ऑफिस में ही मारने वाला था, लेकिन पवन कल्याण की फिल्म रिलीज होने से लेकर उसके सुपर डुपर हिट होने तक आपको जिंदा रखा। यू आर लक्की सर, वेरी लक्की सर। हेलो श्रुति, कैसे हो बेटा? मैं बहुत गुस्से में हूँ। क्या हुआ बेटा? आपको कितनी बार फोन किया, आप उठाते ही नहीं हो। ऐसी बात है? हाँ। सॉरी बेटा, मैंने देखा नहीं। वही तो, माँ होती तो ऐसा नहीं होता ना। तुम्हारी माँ के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं था बेटा, इसलिए भगवान भी उसे जल्दी ले गए। पर मैं तुम्हारे लिए हूँ ना बेटा। पक्का आऊंगा बेटा, ओके ना? ओके। सेहत का ध्यान रखना। ओके। बाय बेटा। निकल के अंकल पहुंचने वाला होगा। अरे कितना लेट हो गया, इतनी देर तक वो घर आ जाता है। ऑन द वे अंकल, वो पहुंच ही जाएगा। ठीक है। ए, ये पवन कहाँ है? हाँ यार, कल से तो वो मुझे भी नहीं मिला है, कहाँ गया होगा वो? इस वक्त कहाँ गया होगा वो? ठीक है, चलो मेरे साथ। डांस था राजा, अच्छा डांस किया ना पवन कल्याण के जैसे किया ना। मैं भी 6 फीट ही हूं,
मैं भी थोड़ा बहुत डांस कर लेता हूँ। ये सब छोड़कर मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में चला जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं भी पवन कल्याण जैसी कोई अच्छी फिल्म बनाऊँ। पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। पवन कल्याण बहुत अच्छा है, हम उसके सामने अभी बच्चा है। फिल्म इंडस्ट्री में पवन कल्याण की एक्सीलेंट आईज है, एक्सीलेंट नोज है। अरे पवन कल्याण का मतलब है लेटेस्ट, पवन कल्याण का मतलब है स्वीटेस्ट, पवन कल्याण का मतलब है हॉटेस्ट, पवन कल्याण का मतलब है एवरेस्ट। तो हम सबको अपना मुंह बंद रख के राजनीति करनी चाहिए और उसकी फिल्म देखनी चाहिए। आई लव यू पवन कल्याण कहना चाहिए। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? मैं राजनीति में नंबर वन हूँ, राजनीति में स्वीटेस्ट, राजनीति में हॉटेस्ट, राजनीति में लेटेस्ट, राजनीति में एवरेस्ट। तो मुझसे पंगा क्यों ले रहे हो तुम? मैं तो तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ रहा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुमने मेरे आदमी को मारा, मेरे घर पे आके मुझे वार्निंग दी, मुझे तभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर देना चाहिए था। खामोश क्यों बैठा है भाई? तू ऐसा लड़का है जो बहुत गुस्से में रहता है। पवन कल्याण का फैन है, मुझे भी वो पसंद है, इसलिए तो तुझे छोड़ दिया। पर क्या तूने छोड़ा? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने ठाकुर को मेरे सामने खड़ा किया? अरे जो मुझसे टकराएगा वो जिंदा कैसे बच पाएगा? तुम्हें क्या लगा एक्सीडेंट हुआ था? वो सब झूठ है, वो एक्सीडेंट की अफवाह तो मैंने ही फैलाई थी, और उस एक्सीडेंट को क्रिएट करने वाला भी तो मैं ही था। पर दुनिया को कहां कुछ पता है, मेरे साथ जब कोई पंगा लेता है तो मैं छोड़ता नहीं हूं, अपने पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देता हूं। ए, समुद्र में उठने वाली लहर देखने में बहुत अच्छी लगती है, मगर उसमें सुनामी आ जाए ना तो मिटा के रख देती है। तू हो या तेरी जगह कोई और हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने गड़बड़ की तो यही पवनिज्म सुनामी बन के मिटा के रख देगी। सुनामी और पवनिज्म दोनों एक ही नाम है। अरे तेरा चेहरा देखकर तो मुझे डर लग रहा, ऐसे डर में मैं जीऊंगा तो बौखला जाऊंगा। ऐसे डरावने चेहरे को क्या जिंदा रखना ठीक है? देखते हैं कौन सा सुनामी आके बचाता है। खत्म कर दो रे इसे। सुनिए आवाज कैसी है? अब्बा वही सर, पवन कल्याण के फैंस के बारे में सुना था ना, पवनिज्म। उनका और लोकल एमएलए का बिल्कुल भी आपस में नहीं बनता है सर, तो वो एमएलए उनको पिटवा रहा है सर। तू बोलने की हिम्मत मुझ में है क्या? सुनने की डरिंग तुझ में है? जिसे देखकर युद्ध पागल हो जाता है, जिसे देखकर लड़कियों के होठों पे हंसी खिल जाती है, जिसके फिल्म के ऑडियो रिलीज को नेशनल चैनल पे लाइव दिखाया जाता है, और उसकी फिल्म रिलीज हुई तो सुनामी जैसा कलेक्शन होता है, उसका फैन हूं मैं। वर्ल्ड वाइड पवन कल्याण फैंस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं मैं।
संभल के। हाँ ये क्या हुआ इसे? पवन बेटा पवन, ये सब क्या है? किसने मारा? किसने मारा तुझे? कैसी है? इतनी बैंडेड क्यों लगाई है? तुम लोग तो बताओ इसके साथ क्या हुआ? उसने आंटी बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। नहीं अंकल ये एमएलए परमेश्वर का काम है। तुम लोग कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? आखिर हुआ क्या है ये बताओ। मैं बताता हूँ अंकल, हमारे एरिया का वो एमएलए परमेश्वर है ना, इसके पीछे उसी का हाथ है। पढ़ने की क्या जरूरत थी? राजनेताओं के साथ पंगा लेगा तो ऐसा ही होगा। है जी, इसे अंदर लेकर चलते हैं। चल संभल कर, आराम से संभल से, आराम कर, ये थोड़ा संभाल कर। हाँ मैं वहां पहुंच रहा हूँ, तुम जरा 10 मिनट वेट करो, मैं बस अभी आया। सुनो बेटा, ये झगड़ा लफड़ा हमें नहीं चाहिए। अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? नहीं नहीं, तू कहीं पर नहीं जाएगा, मेरी बात मान, तू ये सब छोड़ दे। इसे मत रोको लक्ष्मी, भूल किया होता तो मैं चिल्लाता, गलती की होती तो मैं इसे डांटता, लेकिन ये लोग तो युद्ध करने जा रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ने जा रहे हैं। ए पवन, एक बुरा इंसान एमएलए बना तो क्या कर सकता है ये देख चुके हैं, लेकिन एक फैन क्या कर सकता है वो तुम लोग दिखाओ उसे। उनके पास गवर्नमेंट है, गुंडे हैं, बहुत सारा पैसा है, गलती करने की हिम्मत है और उसे मिटाने के लिए उनके पास ताकत भी है, लेकिन तुम्हारे पास अपना स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान को अपनी ताकत बनाकर लड़ो। तुम्हारे ये पवनिज्म फाउंडेशन के द्वारा उन बेईमान राजनेताओं का फाउंडेशन हिला दो बेटा। ठाकुर जी की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ यार, उन्हें एमएलए ने मारा है, उसने मर्डर किया और ऐसा दिखाया जैसे एक्सीडेंट हुआ। उसे इस बात का डर सता रहा था कि ठाकुर साहब इस बार इलेक्शन जीत जाएंगे। ठाकुर साहब को मारना इस बात का सबूत है कि वो हमसे डर रहा है। पहले ठाकुर साहब, फिर मैं, फिर कोई और उसका शिकार होगा। क्यों ना हम उसे ही मार दें? ये क्या कह रहे तू? तुम लोगों ने कहा था ना कि वो डरने लगा है, तो क्यों ना हम उसी डर को औजार बना के उसे मार दें? ब्रेकिंग न्यूज, थोड़े ही दिनों में शहर में इलेक्शन की हलचल शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री का कहना है कि वो बहुत जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज करने वाले हैं। भाई टीवी में इलेक्शन का नोटिफिकेशन नहीं, आपका जीता हुआ डिक्लेरेशन दिख रहा है। इस बार टिकट्स पाने के लिए कैंडिडेट्स हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। इन कोशिशों का कोई फायदा नहीं होने वाला। और इस बार पार्टी के लोग चाहते हैं कि उनके सीनियर्स ही उनकी तरफ से चुनाव लड़ें। आपसे ज्यादा सीनियर यहाँ कोई नहीं है। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से हर कैंडिडेट सिर्फ 25 लाख रुपया खर्च कर सकता है, लेकिन कितने इस रूल को मानेंगे ये बात कहीं नहीं जा सकती। आपको तो पैसे का भी टेंशन नहीं है। मुझे तो डाउट लग रहा है आपके जीतने का। क्या बोला रे? क्या बोला अपने गंदे मुंह से? आपके जीतने का मुझे डाउट है। मैं भी सब सच ही बोल रहा हूँ। आज तक कोई भी एमएलए बिना पैसे बांटे, बिना बोतल बांटे, बिना जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटे, गवर्नमेंट की बिना मदद लिए आज तक जीत नहीं पाया है। तो मैं भी बुरा करके ही जीतूंगा। अचानक एक स्कूल में दोपहर का खाना खाकर बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। उसे खाकर 50 बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। कुछ बच्चों को बहुत ही सीरियस बताया जा रहा है। स्कूल में दोपहर के खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई है। अभी बच्चों की हालत कैसी है सर? क्या वो रिकवर कर रहे हैं? बच्चों को सही वक्त पर ले आया गया, इसलिए सब लोग अभी ठीक हैं। बच्चे अभी खतरे से बाहर हैं। क्या पूछने वाले हो ये मैं जानता हूँ। 2 करोड़ रुपए कैश, मैंने इतना सारा अपना पैसा क्यों दिया, यही सवाल पूछने वाले हो ना? अरे 2 करोड़ क्या, मैं तो अपनी दोनों किडनियां दे सकता हूँ। मेरा काम ही है समाज सेवा। पर एक बात बताऊं, मेरे दिए हुए 2 करोड़ का कुछ भी गलत इस्तेमाल नहीं होगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें। सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हुआ 1-1 रुपया पहले स्टेट में जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट में जाता है, फिर तालुका में जाता है, और तालुका के बाद लोगों के हाथों में, और वहाँ पहुँचते पहुँचते वो 85% खत्म हो जाता है, आपके पास सिर्फ 15% आता है। लेकिन मेरे पैसे में ऐसा नहीं होगा, पूरे 2 करोड़ लोगों के काम आएंगे। जय हिंद सर। ये आप ही हो क्या?
तुम ये सवाल इस वक्त क्यों पूछ रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप 2 करोड़ रुपए देने वाले हैं। हम उन्हें पैसा अपनी पॉकेट से निकाल के नहीं दे रहे। सीधी सी बात ये है कि वो चेक कभी किसी बैंक में पहुंच के पास होना ही नहीं चाहिए। हर नेता वादा करता है, पर वादा पूरा करता है क्या? रोटी कपड़ा मकान बस यही बोलता है। भारत पूरा रोटी कपड़ा मकान पे ही जी रहा है, कुछ लोग तो भीख से भी जिंदा है। तुमने वो नारा सुना है ना, गरीबी हटाओ देश बचाओ, क्या भारत देश से गरीबी चली गई? बोला कि शराब बंद कर दो, क्या शराब बंद हो गई? पूरा देश दुकानों से शराब खरीद रहा है ना। इसलिए तो आसान शब्दों में कह रहा हूँ कि इलेक्शन टाइम पर लोगों को पिलाओ, पैसा दो और खुश रखो। ये सब इलेक्शन के कॉमन रूल्स हैं। इतना सब जानने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये बेकार में क्यों पूछ रहे हो? आप लोग क्या पूछने वाले हो ये मैं जानता हूँ। 2 करोड़ रुपए कैश, मैंने इतना सारा अपना पैसा क्यों दिया, यही सवाल पूछने वाले हो ना? अरे 2 करोड़ क्या, मैं तो अपनी दोनों किडनियां दे सकता हूँ, मेरा काम ही है समाज सेवा। 2 करोड़ रुपए, अचानक इसे आम जनता पर इतना प्यार कहां से आने लगा? ये प्यार लोगों के लिए नहीं है, एमएलए सीट के लिए। उसकी बात को अगर सच कर दे तो? ये क्या बोल रहा है यार तू? ये देखते हैं जरा क्या है। इधर आ बताता हूँ। ये क्या है? देख, 2 करोड़ रुपए तो वो कभी नहीं देने वाला, उसके नाम से हम लोग बांट दे तो कैसा रहेगा? पर ये होगा कैसे, हमारे पास मैजिक है क्या? अपने पास टेक्नोलॉजी है ना। टेक्नोलॉजी? मुझे उस एमएलए की पर्सनल मेल आईडी मिली है। एक हैकिंग सॉफ्टवेयर से उसके ईमेल आईडी द्वारा हम उसके बैंक अकाउंट को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर उसके अकाउंट में जो 2 करोड़ रुपए हैं उसे ऑटोमेटिकली हमारे कहे हुए अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। इजी प्रोसेस है ना? बहुत अच्छा आइडिया, पर टेक्नोलॉजी का ऐसे गलत इस्तेमाल। सुन, हम जो करने वाले हैं उसे 10 लोगों का फायदा होगा, तो इसमें क्या गलत है यार? ओके। लोगों को 1 रुपया देकर 100 रुपया देने का प्रचार करते हैं नेता लोग, लेकिन आज वक्त पूरी तरह से बदल गया है। 2 करोड़ देने के बाद भी मीडिया के सामने नहीं आए हैं हमारे प्यारे नेता परमेश्वर, लेकिन लोग उनके अनुदान के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। मैंने 2 करोड़ दे दिए हैं और मुझे ही नहीं पता। एमएलए परमेश्वर जी जिंदाबाद, 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 परमेश्वर जी जिंदाबाद, परमेश्वर जी एमएलए परमेश्वर जी जिंदाबाद, हमारे प्यारे 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 एमएलए परमेश्वर जी जिंदाबाद। पिताजी, आपने हमारे बच्चे की जान बचाई, आप हमारे लिए भगवान हैं। देता हूँ सब करते हैं, लेकिन सिर्फ आप ही ने दिया है मालिक। आप 100 साल जिए। एमएलए परमेश्वर जी जिंदाबाद, एमएलए परमेश्वर जी जिंदाबाद, एमएलए परमेश्वर जी जिंदाबाद। साहब से कहो कि अंदर मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो गुस्से में क्यों? मैंने तो कभी कोई पैसे नहीं दिए और वो कह रहे हैं 2 करोड़ दिए। समथिंग इज रॉन्ग। सुना है आंध्रा में तूफान आया हुआ, तो एक काम करो वहां भी जाके 10 करोड़ दे आओ। ओ भाई,
मैं सोचता था कि मीडिया वाले ही पागल हैं, लेकिन लगता है तुम भी पागल हो गए हो। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औलाद हूँ जो वादा करूँगा तो निभाऊंगा? तो बताओ ये सब जो हो रहा है वो क्या है? तुमने नहीं तो और किसने किया है? तुम्हें मैंने एक आम नेता से अपने पार्टी के फंड में पार्टनर बनाया है, इसके लिए मुझे खुद को चप्पल से मारना चाहिए। तू चाहे खुद को चप्पल से मार या हाथ घूंसों से मार, खुद को ऊपर से मार या चाहे खुद को नीचे से मार, पर मेरी बात सुन, मैंने किसी को भी फूटी कौड़ी नहीं दी है। मीडिया वाले सब दिखा रहे हैं फिर भी कह रहे हो कि मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया। तुझे क्या मैं बेवकूफ दिखता हूँ क्या? दूसरे लोग ना देकर के भी हक जताते हैं और तू देकर के भी इनकार कर रहा है। पता है मेरे सीने में जलन हो रही है। तुझे चाहे कहीं भी जलन हो रही हो, चाहे तेरा पेट खराब हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं पैसे चुराने वालों में से हूँ, पैसे देने वालों में से बिल्कुल नहीं। मेरे लिए राजनीति का मतलब है बिजनेस और इसलिए इसमें हूँ। 10 करोड़ रुपए खर्च करके मैंने वोट खरीदे हैं और 20 करोड़ रख दिए। 20 × 10 इसका मतलब है 200 करोड़, और इतनी कमाई का मेरा प्लान है और इसे ही मैं जनसेवा कहता हूँ। तो अब पता चला? भाषण सुनने नहीं आया हूँ यहाँ। तूने जो किया ठीक नहीं था, दोनों 50-50 लेंगे यही सोचकर पैसा तुझे दिलवाया था, और तूने क्या किया मेरे साथ? हाथ में कटोरा थमा दिया। पॉलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है और पॉलिटिशियंस उसमें पार्टनर्स बन गए हैं। अरे तू क्या पागल हो गया है? सर 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 सर, अगर आप डिस्कशन इस तरह से चालू रखेंगे तो हमें कटोरा लेकर सेंट्रल जेल में रहना पड़ेगा। ऐसा क्या हो गया जो इतने लंबे डायलॉग मार रहा है? आप जो यहाँ बातें कर रहे हैं वो सीधा टीवी पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आपने जो गुल खिलाए हैं उसकी जानकारी आप लोगों को खुद दे रहे हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन है? हाँ। मैं टीवी पर दिख रहा हूँ, टीवी ऑन कर। अरे बाप रे, यहाँ तो सब कुछ लाइव चल रहा है। मैं घोड़ा चला रहा हूँ, वहाँ भी घोड़ा चल रहा है। मैंने पांव उठाए, वो भी पांव उठा रहा है। अरे बाप रे, ये तो लाइव है। मैंने इसकी टाई खींची, वहाँ भी उसकी टाई खींच गई। अरे बाप रे, कहाँ है ये कैमरा? अरे जल्दी पता करो, अरे किसने देखा कैमरा? 1 2 1 2, ये तो लाइव है। मैं यहाँ कूदा वो वहाँ कूदा, मैं यहाँ कूदा वो वहाँ कूदा, मैं यहाँ कूदा वो वहाँ कूदा, मैं यहाँ कूदा वो वहाँ कूदा। तक धिना दिन दोनों कर रहे हैं, तक धिना दिन दोनों कर रहे हैं। गया रे, मैं तो काम से तो गया रे। सर, अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है। अरे देख क्या रे, पकड़ो उसे। मैं यहाँ कूदा वो वहाँ कूदा, मैं यहाँ कूदा वो वहाँ कूदा, दोनों कर रहे हैं। इतना बड़ा झटका लगने के बाद दिमाग काम करना तो छोड़ो, उसका दिमाग ब्लॉक हो गया होगा। अगर हमें बुरी राजनीति को खत्म करना है ना, तो हमें जनता का फुल सपोर्ट चाहिए होगा। हम चाहे जनता की कितनी भी मदद कर लें, इलेक्शन का नतीजा क्या होगा ये हम सबको पता है। जनता फिर से उसे वोट करने का गलत फैसला ही करेगी। वो लोग गलती नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से करवा रहे हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। वरना सोचो, उसके जुर्म की दास्तां इतनी लंबी है, फिर भी वो आज तक नहीं आ रहा। अरे जीतने के लिए पहले खड़ा रहना चाहिए ना। इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम लोगों को लगता है वो अपनी शक्ल दिखाएगा? सिर्फ इतना ही नहीं, अगली बार हम लोगों का कोई भी वार खाली नहीं जाना चाहिए। पवनिज्म क्या है उसे पता चलना चाहिए। कल शाम को ही इलेक्शन कमिश्नर A.K. महंती जी ने इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी किया है, इसलिए राजनीति के नेता अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी दे रहे हैं। सायम रविंदर, हैदराबाद में रहने के लिए जिनके पास एक 25 लाख का घर है, 25 एकड़ की खेती है, नगद 5 लाख रुपया, 8 लाख का कर्ज और इनके पास खुद की कार नहीं है। कारला परमेश्वर, जिस गांव में इनका जन्म हुआ है वहां पर 20 एकड़ की जमीन, हैदराबाद में भाड़े में रहने के लिए एक छोटा सा घर और कोई कार नहीं है। ये बात उन्होंने मीडिया के सामने आकर कही है। उनका कहना है कि राजनीति की जिंदगी खुली किताब की तरह है, रहने के लिए मेरे पास अपना खुद का घर भी नहीं है, ऐसा रहने वाला मैं अकेला MLA हूँ। धमका कर ली हुई बिल्डिंग और गलत तरीके से बनाए हुआ फार्म हाउस किसी के पास हो तो वो छोटे से घर में क्यों रहेगा? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। हेलो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। गुड मॉर्निंग सर, वी आर फ्रॉम CBI। करोड़ों रुपए और धमकी देकर एक बिल्डिंग और एक बंगला, ये बेनामी प्रॉपर्टी आपके नाम से, ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली। मेरे पास भी एक इन्फॉर्मेशन है, सलमान खान जल्दी से शादी करने वाला है। अमीर पेट में 10 मंजिला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आपका है,
पर आपने उसे अपने ड्राइवर असलम के नाम पर कर दिया है। बात यह है, रोड पर अगर पति पत्नी साथ जा रहे होते हैं और अगर आपने उस पत्नी से ये कहा कि मैं उसका पति हूँ तो क्या वो ये बात मान जाएगी? ऐसे ये प्रॉपर्टी भी बेनामी है, तो क्या इसे मेरे नाम कर दोगे? अगर ये बेनामी है तो इसे बेनामी रहने दो ना, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। बैंक अकाउंट में सारा कैश बनवर लाल के नाम पर है, लेकिन वो सारा कैश दरअसल आपका है। वो कैश भी मेरा ही है, तो वो ताजमहल भी मेरा ही है। शाहजहां मरते समय मेरे नाम कर गया था, तो आगरा जाओ और ले आओ उसे, बहुत खूबसूरत लगेगा ताजमहल यहाँ। बात करते हो, नासिक वाला 20 एकड़ का फार्म हाउस आपका है, पर आपने उसे मलेश के नाम पर रखा हुआ है। आधे से ज्यादा हिमालय पड़ोसी देश से चुरा कर मैं यहाँ लाया हूँ, लेकिन हमारे देश में उसे बेनामी करके रखा है। अब एक काम करो, हिमालय को भी वापस कर दो। तुम्हारा नाम क्या है? अस्सलाम। अमीरपेट में 10 मंजिल वाला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तुम्हारा ही है क्या? मेरा नहीं है, वो एमएलए साहब का है जी। उसकी देखभाल करने के लिए मुझे हर महीने 10,000 रुपए देते हैं। मलेश, नासिक में जो 20 एकड़ का फार्म हाउस है, क्या वो तुम्हारा है? मेरा नहीं है जी, हमारे एमएलए साहब का है, उसमें सिर्फ नाम मेरा है। मेरा नाम बनवर लाल है। बैंक अकाउंट में जो 50 करोड़ है वो तुम्हारा? मेरा है? नहीं है साहब, हमारे एमएलए साहब का है। अब क्या बोलते हो? इस पे क्या बोलूं मैं, ये ओरिजिनल आवाज है ही नहीं इनकी, ये तो डबिंग है, बहुत ही आसान है ये। बिग बी की आवाज सभी निकालते हैं, नाना की आवाज सभी कॉपी करते हैं, सनी की आवाज सभी कॉपी करते हैं, उसके पापा को ले लो उसकी कॉपी करते हैं, ये सब मिमिक्री भाई, ये ओरिजिनल नहीं है। डायलॉग कुछ और होते हैं और डबिंग करके कुछ और दिखा देते हैं। इन्होंने कुछ और बोला होगा, लेकिन डबिंग की वजह से आप कुछ और सुन पा रहे हो। अभी तो मेरा इसे कोई लेने देना नहीं है। ये सब अगर आपका हुआ तो आप जेल जाएंगे, ये आपका नहीं हुआ तो गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी। मैंने कहा ना, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इस पेपर पे साइन कीजिए। पेन तो दो। सीट है ना, तो फिर यहाँ पे क्यों बैठा है? जा और जाके अपनी कुर्सी संभाल। और कितने दिन? इसका रास्ते पे आने का टाइम हो गया है। तेरे हाथ में गवर्नमेंट है, ये सोचकर तूने गलती की। बहुत पैसा, ये सोचकर और बड़ी गलती की। तेरे पास आदमियों की कमी नहीं है तो तूने गुंडागर्दी की। अभी तो इस पोजीशन में, तेरा फ्यूचर बताऊं क्या? एक एक वोट का तो मोहताज होगा। वो कैसे करोगे? अबे पागल, तुझे वोट तो कोई देने वाला है नहीं, तुझे सिर्फ एक ही वोट मिलने वाला है और वो किसी और का नहीं, तेरा खुद का होगा। चल तैयार हो जा, बहुत ही जल्दी जीत कर असेंबली में बैठने के लिए नहीं, अरेस्ट होकर जेल में बैठने के लिए। तो फिर मैं चलता हूँ राजा। राज्य के कोने कोने से आए हुए पावर स्टार पवन कल्याण फैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का यहाँ आने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पवन जी के इंस्पिरेशन से पवनिज्म संस्था का हमने निर्माण किया है। मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा ये बात फैलती चली गई। शुरुआत में सिर्फ 10 लोगों की मदद के लिए बनाई गई ये छोटी सी संस्था आज हर एक शहर में, हर एक गाँव में और पूरे देश में इस संस्था को पहुँचाना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज ये मीटिंग बुलाई गई है। फैंस का मतलब हीरो का कटआउट काटना और बैनर लगाना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हीरो की तरह ही दिल से अच्छे काम करना भी होना चाहिए। आपको जो करना है आप उसका निर्णय ले लीजिए, उसे अमल में कैसे लाना है ये हम देखेंगे। इसीलिए ये जिम्मेदारी पवन कल्याण के हम जैसे फैंस को ही उठानी होगी। सबसे पहले हर जिले में पवनिज्म टीम तैयार करनी होगी, उसके बाद सारे स्टेट्स को एक करना होगा,
और हम जो भी सेवा कर रहे हैं वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। जहां भी समस्या होगी पवनिज्म की टीम वहां जाकर के उसे हल करने की कोशिश करेगी। धीरे धीरे हम सारे राज्यों में बदलाव लेकर आएंगे और इसके लिए हमें आप सबका सपोर्ट जरूरी होगा। एक आदमी की लड़ाई को झगड़ा कहते हैं, लेकिन वही भीड़ करे तो युद्ध हो जाता है, तो हम इसे युद्ध के रूप में लेंगे। इस युद्ध में हम तुम्हारे सैनिक बनने के लिए तैयार हैं। सीट के लिए पार्टी बदलने वाले नेताओं के जैसे हमें नहीं होना है। नोट के बदले वोट के कॉन्सेप्ट को हम बदल के रख देंगे। जनता को सही नेता चुनने के लिए जागरूक करेंगे। इस पवनिज्म संस्था के द्वारा आप जो काम कर रहे हैं ये सबको बताने के लिए हमें अलग अलग दिशा में काम करना पड़ेगा, तभी कामयाब हो पाएगा हमारा पवनिज्म। इसी वक्त से पवनिज्म ऑर्गेनाइजेशन शुरू होगी और पूरे राष्ट्र में फैलेगी। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे अगर 10 लोगों का भला होता है तो हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। हमारा फैन सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि वो पीछे से वार करता है। जिस व्यक्ति से उसे डर लगता है वो उसे मार देता है, तो आज उसके डर को ही हम उसके खिलाफ खड़ा करेंगे। ताजा समाचार, जो 25 सालों से आज तक नहीं हारे हमेशा से जीतते आ रहे हमारे एमएलए परमेश्वर जी के लिए इस बार का इलेक्शन बहुत ही चुनौती भरा रहा। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें एक ही वोट मिला है, जो आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ है। उनके विरुद्ध खड़ी हुई श्रुति जी को लोगों ने लाखों वोट देकर उन्हें विजयी बनाया है और इसी के साथ उन्होंने परमेश्वर जी को करारी हार दी है। ये! अभी तक आपने इलेक्शन का रिजल्ट देखा है, अब आप परमेश्वर जी का असली रूप देखिए। ठाकुर साहब को किसने मारा बोल बे? ठाकुर जी को एमएलए परमेश्वर साहब ने मारा है जी। उनकी हत्या के वक्त मैं उनके साथ ही था जी। सर हम लोग भी फंसने वाले हैं। हम सब फंसने वाले हैं। चलो चलो निकलो यहाँ से। लौट चलो चलो। राम राजू। हाँ बोलो भाई। तुम सब लोग, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, नीच आदमी हूँ, ऐसा करके डरा रहे हो मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैं सिटिंग एमएलए हूँ ना। हाँ भाई। तुम कॉर्पोरेटर हो। हाँ भाई। मेरे फॉलोअर भी हो। जी हाँ। सर जी कह के मेरे पीछे घूमते थे जी। मेरी हर बात मानते थे जी। अब दूसरी पार्टी में जाकर तुम हाँ मेरे खिलाफ एमएलए का टिकट लेकर मेरे पोजीशन में खड़े होने की सोच रहे हो, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं। बस इसी बात का मुझे भी डर है। ऐसा बिल्कुल नहीं अंकल। हाँ बेटा, मैं आपको शूट करना चाहता हूँ। शूट करना चाहता है? देख मेरा हैंडसअप हो गया। चला गया क्या? हाँ गया भाई। छोटा बच्चा है ना। हाँ। वो ठीक क्या बोलेगा, हम गिर जाएंगे तो उसे अच्छा लगेगा। हाँ। अब तू दूसरी पार्टी में जाकर एमएलए का टिकट लेकर जी मेरे खिलाफ ही हमारे एरिया में एमएलए की सीट के लिए खड़ा हो गया, ऐसा सब कह रहे बाहर। अब सच क्या है झूठ क्या है तू बता। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम तो आपके सामने बच्चे हैं बच्चे। खुद को बच्चा तो बोल रहा है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि दूसरी पार्टी में जाकर एमएलए की सीट के लिए तू मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। मैंने तो ऐसे ही टाइम पास के लिए नॉमिनेशन किया है भाई। अच्छा टाइम पास के लिए नॉमिनेशन डाला है, जीतने के लिए नहीं। अंकल मैं आपको भी शूट करना चाहता हूँ। शूट करेगा कर। क्या? उठ जा राम राजू, बच्चा चला गया है। अब तू 10 करोड़ खर्च करेगा, मैं 10 करोड़ खर्च करूंगा, दोनों आपस में झगड़ेंगे तो क्या फायदा। तू मुझे सीधा बोल देना कि भैया आप ही इलेक्शन मत लड़िए, मैं ही एमएलए बनना चाहता हूँ। कितनी सीधी सी बात है, इतना बोल दे फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन आपको बुरा नहीं लगेगा? अरे राम राजू ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेफिक्र होकर लड़ो। अंकल क्या है, और एक बार शूट करूंगा। और एक बार? हाँ। करो। अगर किसी ऐसे की जरूरत है तो भगवान को ही आना पड़ेगा। तो वो भगवान आप क्यों नहीं बन जाते सर? मैं और राजनीति में रहकर? जी हाँ सर, लोगों की मदद करने वाले आप हैं, आप राजनीति में क्यों नहीं उतरते? जहाँ तक मेरी सोच है राजनीति आज बिजनेस बन चुका है। एक्सपीरियंस रखने वालों ने ही राजनीति को व्यापार बना दिया है। सच्चाई को ग्राम के हिसाब से, झूठ को टन के हिसाब से करने वाला व्यापार, भरोसे को बेचने वाला और सच्चाई को छुपाने वाला व्यापार, फायदे और नुकसान का जहाँ कोई संबंध नहीं वैसा व्यापार, आम लोगों से छीनकर अपने लोगों में बांटने वाला ये व्यापार, ऐसी गंदी राजनीति में बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन उसी जिंदगी में लोग यहाँ मर रहे हैं सर। क्या बोल रहे हो कल्याण? जी हाँ सर, जब तक ऐसे मतलबी लोग राजनीति में रहेंगे लोगों का यही हाल होगा। आप जैसे अच्छे लोगों के राजनीति में आने से ही इनका जीवन बदल सकता है। जरा सोच के देखिए सर।
सबके कल्याण। अगर जनता की भलाई का सवाल है तो एमएलए जरूर बनूंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, ऑन सेम टाइम हैप्पी डेथ डे टू यू। सर, मैं तो आपको पवनिज्म के ऑफिस में ही मारने वाला था, लेकिन पवन कल्याण की फिल्म रिलीज होने से लेकर उसके सुपर डुपर हिट होने तक आपको जिंदा रखा। यू आर लक्की सर, वेरी लक्की सर। मुझे खबर मिल ही चुकी होगी कि तेरे आदमियों को किसी ने मारा है। वो मैं ही हूँ, ये कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तू अपने लोगों पे अपना गुस्सा दिखाएगा तो वो तुझे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर तूने पवन कल्याण फैंस के ऊपर गुस्सा दिखाया तो कोई आएगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, ऐसा मत सोचना। पवनिज्म के ऑफिस के बाहर तेरे आदमियों को अच्छे से सबक सिखा दिया मैंने। अगर नौकरों का यह हाल किया तो मालिक का क्या हाल करूंगा, तू सोच भी नहीं सकता। अब मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे ही एरिया में, तेरे ही अपोजिशन में ठाकुर को हम तेरे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। हम उन्हें जिताएंगे, तुझे जो करना है कर दे। तेरे पास ताकत है, अधिकार है, पैसा है, गुंडे हैं, इन्फ्लुएंस है, एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट है, ईगो है, सब इस्तेमाल कर ले, लेकिन तुझे हारना ही पड़ेगा हमारे सामने। ए, किससे बात कर रहा है जानता है तू? जानता हूँ। करीब 1,00,000 वोट है इस एरिया में। 25,000 पैसे से और 35,000 पिलाने के बाद फ्री का चिकन बिरयानी का पैकेट देकर, बेचारे गरीबों को दिन रात बेवकूफ बनाकर, बचे 40,000 लोगों को डराकर आज तक तू चुनाव जीतता आया है। अगर हम किसी को शिखर पे पहुंचाना जानते हैं तो उसे मिट्टी में कैसे मिला जाए वो भी जानते हैं। चिल्लाओ मत। तूने क्या हम लोगों को अपना पाला हुआ गुंडा समझ रखा है जो तेरे चिल्लाने पे हम डर जाएंगे? पवन कल्याण के फैंस हैं हम, सब्र करेंगे, प्यार करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों ने अगर हमसे पंगा लिया तो उसे चीर के रख देंगे। मैंने तो कभी कोई पैसे नहीं दिए और वो कह रहे हैं 2 करोड़ दिए। समथिंग इज रॉन्ग। सुना है आंध्रा में तूफान आया हुआ है, तो एक काम करो वहां भी जाके 10 करोड़ दे आओ। ओ भाई, मैं सोचता था कि मीडिया वाले ही पागल हैं, लेकिन लगता है तुम भी पागल हो गए हो। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के औलाद हूँ जो वादा करूँगा तो निभाऊंगा? तो बताओ ये सब जो हो रहा है वो क्या है? तुमने नहीं तो और किसने किया है? तुम्हें मैंने एक आम नेता से अपने पार्टी के फंड में पार्टनर बनाया है, इसके लिए मुझे खुद को चप्पल से मारना चाहिए। तू चाहे खुद को चप्पल से मार या हाथ घूंसों से मार, खुद को ऊपर से मार या चाहे खुद को नीचे से मार, पर मेरी बात सुन, मैंने किसी को भी फूटी कौड़ी नहीं दी है। मीडिया वाले सब दिखा रहे हैं फिर भी कह रहे हो कि मैंने नहीं दिया। तुझे क्या मैं बेवकूफ दिखता हूँ क्या? दूसरे लोग ना देकर के भी हक जताते हैं और तू देकर के भी इनकार कर रहा है। पता है मेरे सीने में जलन हो रही है। तुझे चाहे कहीं भी जलन हो रही हो, चाहे तेरा पेट खराब हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं पैसे चुराने वालों में से हूँ, पैसे देने वालों में से बिल्कुल नहीं। मेरे लिए राजनीति का मतलब है बिजनेस, और इसलिए इसमें हूँ। 10 करोड़ रुपए खर्च करके मैंने वोट खरीदे हैं और 20 करोड़ रख दिए। 20 × 10 इसका मतलब है 200 करोड़, और इतनी कमाई का मेरा प्लान है, और इसे ही मैं जनसेवा कहता हूँ। तो अब पता चला? भाषण सुनने नहीं आया हूँ यहाँ। तूने जो किया ठीक नहीं था, दोनों 50-50 लेंगे यही सोचकर पैसा तुझे दिलवाया था, और तूने क्या किया मेरे साथ, हाथ में कटोरा थमा दिया। शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है क्या? पसीने क्यों छूट रहे हैं? ओ, हार गया इसलिए? तुझे पहले ही वार्न किया था,
कि तू एक एक वोट का मोहताज हो जाएगा। अभी तक कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए तू जीत रहा था। आज लोगों को ऑप्शन मिल गया है। तू ही सोच, आज तक तूने क्या कमाया है? ना ही भरोसे का आदमी और ना ही अपनी जीत खरीद सकने की औकात। जो तेरे आगे पीछे घुमा करते थे वो भी भाग गए। तेरे जैसे धोखेबाज नेता से अच्छा तो ईमानदार भिखारी है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तूने सारी जानकारी निकाली कैसे? ए, पीए को तू हमेशा अपने साथ नहीं रखता, ना ही गुंडे हमेशा तेरे साथ रहते हैं। कोई भी आदमी हमेशा तेरे साथ नहीं, फिर भी हम लोगों ने तुझे हमेशा फॉलो किया, क्योंकि कुत्ता हमेशा तेरे साथ रहता था। कुत्ता कैसे बोल सकता है भाई? इस ट्रांसमीटर से। इसी को कहते हैं पवनिज्म का ट्रीटमेंट। इतना सब करने के बाद भी तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, क्योंकि तू सांसें तो लेगा लेकिन जिंदा लाश बनकर। गुड बाय। जब से पवनिज्म की स्थापना हुई है तब से लेके अब तक हमारा साथ देने वाले मीडिया के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अगर हम इलेक्शंस जीते तो ये हमारी जीत नहीं, जनता की जीत है। वो लोगों की खुद की जीत है। आपने जिसे सपोर्ट किया है वो बहुत ज्यादा मार्जिन से जीती है, तो आपका उनके बारे में क्या बोलना है सर? लोग अपने नेता को वोट डाल के जिताते हैं ताकि वो उनकी समस्या को दूर करें, इसलिए नेता को कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ऐसे राजनेताओं से ही आज जनता पूरी तरह थक चुकी है, इसीलिए हम ऑप्शन बने। अब आप लोग राजनीति में आ चुके हैं तो पवनिज्म टीम को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे क्या? पवनिज्म कोई नाम नहीं है, एक जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को हम हमेशा निभाते रहेंगे। जय हिंद।